आवेश भाई, हमें ये बताइए कि आपका सबसे पहला रिकॉर्डेड गाना कौन सा था? मेरा सबसे पहला रिकॉर्डेड गाना एहसान भाई, जब मैं ओमान गया वहाँ पे, फिर मैंने एक सॉन्ग वहाँ पे बनाया, तो जारे छी मनारा। सबसे पहला गाना मैं आप लोग अगर कुछ सुनाए, ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए ना, फिर नहीं, हम हाजिर प्रोग्राम को आगे हाजिर लेकर हाजिर। चलते हैं। ये सॉन्ग अभी रिलीज हुआ हुआ था, अलहमदुल्ला, इस पे भी काफी लोगों ने प्यार दिया। तरा अल्लाहवती दस्ता गो साजता, उफ मन मबाता जानी मना किस्मता जता, दुर्दाना कसाने मनी वल्ला दिलाए। गाने बलूची जबान में जी सुने। जी मेरी एक पर्सनली फरमाइश है कि जी अगर जी आप कुछ हिंदी या उर्दू भी हमें बिल्कुल गुनगुना बिल्कुल कर सुनाएं तो बिल्कुल मजा बिल्कुल। आ जाए, और मैं चाहूंगा कि साथ में अम्माद भी आपको थोड़ा सा साथ हाँ, दे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, फेवरेट भी है। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे ख्वाबों ख्यालों में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसान शाह एक बार फिर दंस फिल्म के पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने अपने पॉडकास्ट में, मैं कह सकता हूँ कि मेरे फेवरेट दोस्त हैं, साथी हैं, साथ काम किया है हमने, और आजकल बहुत चाहे हुए हैं, चाहे वो दुबई हो या पाकिस्तान हो या ओमान हो या बलोची शादियाँ हो, हर जगह अगर इनके गाने ना बजाए जाएँ तो वो मैं कह सकता हूँ कि शादी अधूरी लगती है। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं ताबिश बलोच और हम्माद भाई। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, कि अपने इतने कीमती वक्त में से आप लोग टाइम निकाल के मेरे प्रोग्राम में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई कि आपने इनवाइट किया माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में, हमें बहुत खुशी हुई। आप लोगों को ये बताता चलूं कि 5 महीने इंतज़ार करवाने के बाद आज हमारे हाथ में आए हैं ताबिश भाई। बहुत बिजी शेड्यूल चलता है इनका, कि पता नहीं चलता कब कराची में होते हैं, कब ओमान में, कब दुबई में। तो ताबिश भाई, आपसे स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताएं कि ताबिश हुसैन कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा मसरूफियात उनकी क्या रहती? ताबिश हुसैन आपके भाई हैं, सबके भाई हैं, दोस्त हैं। तो बिलोंग मैं बेसिकली जान लियारी से करता था, पैदाइश मेरी लियारी की है। लियारी के बाद मैं मलिर मूव हुआ, उसके बाद फिर जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग हमने यहीं से लियारी से ली गाना बजाना। तो मेरे नाना जो थे शीदू बलोच, बलोची दुनिया के, बलोची दुनिया में यानी डिस्को सॉन्ग लाने वाले नाना थे मेरे। जी तो जी उनको देखते 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 ये असर चढ़ा, बचपन से ही शौक था सिंगिंग का। फिर उसके बाद आराम आराम से मेहनत करके करके फिर मलिर शिफ्ट हुए, फिर मलिर के बाद मेरी जो स्टार्टिंग हुई, फिर मैं खलीज मुल्क चला गया, फिर वहाँ से मैंने जो स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद से लोगों ने जानना शुरू किया। कुछ लोगों के ख्याल से यानी वो समझते हैं कि यानी डायरेक्टली फेम मिला, मगर उनको पता नहीं है कितने मुश्किलों के बाद, कितने कोशिशों के बाद तब जाके अल्लाह पाक ने इस मकाम पे पहुंचा है कि कुछ लोग जो हैं हमें जानते हैं, शुक्र है अल्लाह का। मैं अगर अपनी बात कहूं तो ताबिश भाई, मैं छोटा सा हुआ करता था, कह सकते हैं कि 15-16 साल, और उस वक्त इलाके में शादी होती थी तो मशहूर होता था कि एक छोटा सा बच्चा आया है, गाने गा रहा है। तो मतलब एक तजस्सुस होती थी, मोटिवेशन मिलती थी देख के। तो उस वक्त हमने आपको देखा था कि एक बिल्कुल छोटी सी उम्र में जी आप गाने गाते थे, तो मतलब मैं उस वक्त से आपका फैन था ताबिश नहीं भाई। एहसान भाई, ये आपकी मोहब्बत है तो बस आप सबका प्यार था। मैंने तकरीबन 9 साल की उम्र में बिल्कुल स्टार्ट लिया था उस्ताद सईद नज़र से। हालांकि नानू उस टाइम बिजी रहते थे, वो भी आउट ऑफ कंट्री में, तो
तो सीखना सिखाना मेरे मामू एजाज और माशाल्लाह उस्ताद सईद, इनके नज़र में मैं बैठ के सीखा हूँ इन्हीं के पास। बिल्कुल मामू एजाज वही है, सिया सिया मेरी बाहों में। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी ये गाना बहुत फेमस था और अभी दोबारा ट्रेंडिंग पे टिकटॉक पे। जी टिकटॉक वाले दोस्त अगर देख रहे हैं तो पता चल जाए आपको कि वो भी ताबिश के मामू है। तो आप दूसरी तरफ हमारे हम्माद आज बैठे हुए, हम हम्माद को भी पकड़ के लेकर आए, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास ताबिश भाई आ रहे हैं तो गाना बजाना ना हो तो मज़ा नहीं आएगा ना, सिंगर को बिठा के गाने उससे ना गवाओ तो वो अनकम्प्लीट रहता है। तो मैंने इसीलिए हम्माद भाई को भी बुलाया अपने प्रोग्राम में कि वो ताबिश के साथ तुलसी संगति उनकी चले, कुछ ताबिश भाई अपने फ़न का जलवा दिखाएंगे, साथ साथ हम्माद भाई दिखाएंगे। हम्माद भाई आप कैसे हैं, आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि हम्माद कौन है और हम उसको कहाँ से पकड़ के लेकर आए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक लियारी से है, बगदादी से, और जब मैंने स्टार्ट लिया था तब तकरीबन मैं 2018 ऐसे कुछ था, मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था, मैंने उसको देख के मतलब मुझे मोटिवेशन मिली थी उससे, उसको देख के। लेकिन उसके घर में अलाउ नहीं था, उसके घर वाले इतने मतलब नहीं छोड़ते थे, लेकिन मैंने जब उसको देखा तब मैंने कहा यार ये गा सकता तो मैं क्यों नहीं गा सकता। उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, बड़ा एक गिटार लिया, उससे मैं घर पे यूट्यूब पे सीखा, फिर किसी उस्ताद से मैंने सीखा फर्स्ट टाइम। हालांकि खुद इनको मैंने मैसेज किया था टिकटॉक पे, आज से तकरीबन 7-8 महीने हो गए ना, मुझे खुद इनका पसंद है, मुझे खुशी हुई, मैंने पूछा बोला भाई लियारी से बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बोला यार इसी लाइन पे हो, इसी लाइन पे चलना, तो आज आपके बहाने इनसे भी मेरी मुलाकात हो गई। चलो अभी देरी ना दोस्तों की मुलाकात आज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह पाक इनको भी कामयाब करे, यंग जनरेशन है, नाम रोशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमसे जितना होगा हम हाजिर हैं। ताबिश भाई हमें ये बताइए कि आपका सबसे पहला रिकॉर्डेड गाना कौन सा था? मेरा सबसे पहला रिकॉर्डेड गाना एहसान भाई, जब मैं ओमान गया वहाँ पे, फिर मैंने एक सॉन्ग वहाँ पे बनाया, तो जारे चिमनारा तो धीरे चिमनारा, अहमद बुयूनस उसने म्यूजिक दिया था और वीडियो सबसे पहले आपने और अदिल वली ने बनाया था उस दौरान, आपको याद होगा। याद होगा उस दौरान जब मैं ओमान से छुट्टियों में आया दोबारा, तो मेरे ख्याल से 2014 था या 2013, रमजानों के महीने चल रहे थे हम जब शूट कर रहे थे इसी दौरान, और पोर्ट ग्रैंड नया नया खुला हुआ था, छुटके से हम वीडियो वहां पे शूट कर रहे थे। बिल्कुल मुझे याद है, तो मेरा पहला सॉन्ग ये था एहसान भाई। फिर उसके बाद मैं काफी इस तरह के क्लासिक म्यूजिक गाता था, फिर उसके बाद 2019 में अचानक मेरा एक इवेंट हुआ कतर में, कतर में मैं गया, वहाँ पे अल्लाह आपको नेकी दे, फिर वहाँ पे बैठे थे ऐसे ही, शुगल मेला लगा हुआ था दोस्तों का इवेंट से एक रात पहले, की बात है, तो सब शीशा कैफे में बैठे हुए थे, तो आपको पता है आर्टिस्ट और म्यूजिशियन होता है वो हाजिर दिमाग होना चाहिए। तो इसने बनाते बनाते एक दोस्त आया पास, बोला ताबिश अब चिलिम यानी शीशा रखा है हमारे बलोची में, इसको चिलिम कहते हैं, चिलिम पे यानी कोई सॉन्ग आपके दिमाग में है? तो वो ये जो मेरा सॉन्ग था पैर का चिलिमा, ये 8 महीने पहले ये लायरिक्स लिखे हुए थे, रखे थे, तो मैंने खुद सोचा था यार पैर का चिलिमा क्या अभी यार रखा है, तो मुझे मौका नहीं मिला गाने का। जब उसने ये सवाल किया तो अचानक मेरे मुंह से, वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक की अगर देन होती है, अल्लाह पाक कोई चीज़ आपकी रखे तो सही वक्त पर उसको इस्तेमाल करवाना चाहता हो तो वो काफ़ी टाइम के बाद उसको इस्तेमाल करवाता है। तो 8 महीने तक ये शायरी रखी हुई थी, तो मैंने इस पर गौर नहीं किया, जब उसने सवाल किया स्नैप घूमते होते तो अचानक मेरे दिमाग में, मैंने बोला हाँ इंशाल्लाह कल शादी है हमारे दोस्त की, तो उसमें मैं ये नया सॉन्ग है वो मैं गाऊंगा, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, तो ये मेरे दिल में ही आया, मतलब ये मुझे गाना है, तो मैंने उसको थोड़ा गा के सुनाया, फिर का चिलिमाश कर रे सरा, उस टाइम ये रिलीज़ नहीं था, तो वो तो हम फिर करते कराते प्रोग्राम वो चले गए। जब दूसरे दिन इवेंट का दिन था, वो लड़का मेरे पास आया सुबह सुबह होटल में, ठिक ठक कर रहा है 12 बजे, अरे भाई मैं क्या हो गया, फिर बोलता यार ये एक छोटा सा क्लिप था मेरा स्नैपचैट पे, ये फॉर यू पे चले गया, अब हर कोई मैसेज कर रहा है कि ये गाना कब रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होगा। अब मैं सोच रहा था ना ताबिश अब तो तुम अगर ये तुमने गाया नहीं लाज के इवेंट में, या ये धुन चोरी हो जाएगी, या लायरेक्स कोई और स्टूडियो में गा लेगा, अब मैं कतर में इवेंट में हूँ, अब यहाँ पे स्टूडियो कोई है नहीं जो मैं जल्दी रिकॉर्ड करूँ, अब जो करना था एहसान भाई वो मुझे एक ही दिन एक ही रात में ही करना था। रात को मेरा इवेंट था तो वो लाइव बैंड लगा हुआ था,
विदाउट रिहर्सल, कोई रिहर्सल नहीं था, बस मैंने उनको कॉर्ड्स पता है कीबोर्ड वालों को, कोरस वाले बैठे थे उनको मैंने बोला भाई ये चीज़ें इस तरह तुम्हें करना है, उन्होंने बोला ओके। वहाँ के माशाल्लाह ओपन माइंडेड लोग हैं, डायरेक्ट ग्राउंड बना के दे दिया, तो वो मैंने स्टार्ट ले लिया ये सॉन्ग। हालांकि ये सॉन्ग पिरका चिलिमा ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग, ये मैंने लाइव इवेंट में गाया था, लाइव इवेंट में गाया था, उसके बाद माशाल्लाह ये वायरल हो गया ये गाना 2019 में। यानी कहा जाए आपको भी पता है, यानी इस सॉन्ग पे मेरे मिलियन व्यूज़ आ गए थे उस दौरान 2019 में। फिर उसके बाद से अल्लाह पाक ने नाम दिया, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र है, लोगों ने इज्जत दी, लोगों का प्यार है। तो उसके बाद फिर बैक टू बैक मेहनत जारी थी, गाने करता गया बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो कारवां जारी है। ताबिश भाई क्या फीलिंग थी जब पहली बार आपको फील मतलब पता चला कि यार ये गाना तो वायरल हो गया है, अब लोग यहाँ से मैसेज कर रहे हैं वहाँ से मैसेज कर रहे हैं? इस जब ये सॉन्ग वायरल हुआ तो बहुत से लोगों ने गलत कमेंट्स भी किए, गलत बातें भी लिखी कि यार कल्चर ख़राब कर दिया, चिलिम पे गाना बना दिया ये तो वो। तो भाई मुझसे पहले भी तो चिलिम पे सॉन्ग्स बन चुके हैं, उस पर क्या था। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको लाइक करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसपॉइंट भी आपको करते हैं मायूस, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौरान एहसान भाई आप यकीन करो सोशल मीडिया में पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही थी, मगर अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे पास इतने इवेंट्स थे, मुझे बातें सुनने का टाइम ही नहीं था, मैं धड़ाधड़ अपने प्रोग्राम करते जा रहा था। यानी वो कहते हैं ना कि सरे किचन के भी टीम न बीतता, इतना मैं बिजी था उस दौरान, अल्लाह पाक का शुक्र है इवेंट्स पे इवेंट। जो बाद में लोग बोल रहे हैं भाई तुम्हें ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं, मैं ना बस अल्लाह के ऊपर है, मैं तो जो मेरा काम है वो मैं चलाता जा रहा हूँ, बस मैं स्टॉप नहीं हुआ एहसान भाई। मैंने चिलिमी 2 भी निकाला, चिलिमी 3 भी निकाला, तीनों पार्ट्स मेरे मिलियन मिलियन पे, और तीनों पार्ट्स मेरे ओके हो गए अल्लाह का शुक्र है, और आज तक अल्लाह का शुक्र है। वो देखे 100% में से ज़रूरी नहीं, अगर आपको 80% लोग लाइक कर रहे हैं, 20% लोग लाजम आपको गलत बोलेंगे, मगर आप ये देखो कि 80% लोग आपको प्यार कर रहे हैं, उनके प्यार के वजह से आज तक हम चल रहे हैं सर भाई, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर लोगों को ज़रूर गुस्सा आएगा, वो नेगेटिव बात बनाएंगे। हालांकि आप देखें एहसान भाई, मैंने मेरी कोशिश यही थी कि हम जो हमारा म्यूज़िक है वो थोड़ा चेंज हो, डिफरेंट, और वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खलीज का म्यूज़िक अपने पाकिस्तान में लाया, उसमें बलोची सॉन्ग्स गाए, और आज आप देखो हर यंग जनरेशन है जो हमारे लियारी से मलीर से, वो हर कोई इसी म्यूज़िक पे काम कर रहा है। नहीं देखी बात है ना, हम कह सकते हैं कि जो शादियों के गाने हैं या जो पार्टी सॉन्ग्स हैं उनका रंग चेंज करने में ताबिश भाई का बहुत बड़ा हाथ है। ये अल्लाह की तरफ से और लोगों का प्यार है जो हमें देख रहे हैं, माशाल्लाह इनका सपोर्ट है, इनका प्यार है, और मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह म्यूज़िक और डिफरेंट हो जाए, जितनी कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह। ताबिश भाई हमें ये बताएं कि कराची से बाहर जाने का, जैसे आप पहली बार ओमान गए थे, जी जी, वो ब्रेक आपको कैसे मिला था कि ओमान जाना कैसा हुआ, और ये चिलिमी से पहले का जी पहले सीन है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका पहला ओमान का एक्सपीरियंस? वो एहसान भाई ऐसा था कि मैं उस दौरान मैं मोबाइल की शॉप पे काम करता था, यानी अपने ही थे वो भी, तो वहाँ पे कुछ पैसे जमा करके थोड़े बहुत ये वो, मुझे शौक़ था मस्कत जाने का, मस्कत देखूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वहाँ के गाने बहुत सुनता था, जो वहाँ का म्यूज़िक है ना मैं बहुत लाइक करता था, स्टार्टिंग से वो चीज़ें सुनता था, तो एक दिल में था कि यार मुझे वहाँ जाना है। फिर वहाँ के लोगों ने भी इतना प्यार दिया, तो करते कराते मैं वहाँ पर पहुँचा खुद, मेरे मामू वहीं पर थे, जब वो गए मुझे मौका मिल गया, मतलब आप किसी को जानते हैं मामू वहीं पे, तो मैं यहाँ से अपने खुद जमा करते, उस दौरान 80-85 हज़ार का वीज़ा और टिकट हो गया था, यानी विजिट पे 3 महीने का, तो ये खुद से मैंने किए अपनी पॉकेट मनी जमा करके वहाँ पे गया, 3 महीने का विज़िट था, अल्लाह आपको नेकी दे। वो विज़िट पे मैं वहाँ पे गया तो 2-3 दिन मैं वहाँ पे मामू वालों के पास था, मैंने बोला यार इसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अब ज़िंदगी में कभी काम किया हुआ भी नहीं था, तो भाई मामू मेरे एसी के काम वगैरह करते थे, तो मैंने उनको एक दिन बोला यार मुझे भी ले चलो काम पे अपने साथ, वो मेरा मुंह देख रहा था, भाई तू घूमने फिरना है घूम के काम करेगा, बोला नहीं काम करना है भाई ले चलो अपने साथ, तो उनके साथ जाता था, थोड़ा देखता था वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो वहाँ पे शाबसुल्लू, अल्लाह उनको सलामत करे, शाबसुल्लू से मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, वो मुझे स्टूडियो ले गए, वहाँ पे लोगों से मिला, फिर उसके बाद अल्लाह अली उमानी उनसे मिला,
फिर नदीम भाई से मुलाकात हुई, नदीम शन्नान से, तो इनसे मुलाकात हुई। वहाँ पे टैलेंट की कदर है माशाल्लाह, उन्होंने सुना, उन्होंने मुझे अपने बैंड में चांस दिया। तो लहजा ऐसा था, गेटअप ऐसा था कि वहाँ के लोग समझते थे ये ओमानी है, नया सिंगर आया है कोई ना, तो मगर उनको पता नहीं था बेसिकली पाकिस्तान से हूँ मैं, तो यहाँ पे विजिट पे आया हूँ। तो मैं नदीम भाई के बैंड में मैं गा रहा था, तो एक दूसरे बैंड वालों ने मुझे देखा, उनका उस टाइम स्टार्टिंग में जो उनका सिंगर था वो बैंड छोड़ गया था, वो अधूरे थे, उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने बात की नदीम से कि ये लड़का हमें चाहिए सिंगिंग के लिए, फिर मुझसे मीटिंग हुआ, फिर उनके साथ मैंने काम किया, साहिर बैंड साहिर था वो, उनके साथ मैंने काम किया। इस दौरान मैं विजिट पे ही था एहसान भाई, काम किया उनके साथ, फिर धड़ाधड़ प्रोग्राम आए, महीना दो महीना उनके साथ काम किए, फिर जाने का टाइम था, विजिट ख़त्म हो गया उस दौरान। फिर वो बैंड वाले परेशान के आगे के प्रोग्राम्स टाइम है, पेमेंट ली हुई है लोगों से, अब क्या करें। फिर उन्होंने मुझे बोला तुम, उस टाइम उम्र भी इतनी नहीं थी कि 2 साल का वीज़ा मेरा हो सकता था, तो कुछ करते कराते उन्होंने बोला तुम जाओ, अल्लाह खैर करेगा। जब मैं फिर पाकिस्तान आया तो महीने बाद मेरा उन्होंने 2 साल का वीज़ा ख़ुद भेजा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब बस अब घूम फिर के आ गया ख़त्म बात। मगर बस अल्लाह पाक को, इंसान को ले जाना होता तो इंसान को ख़ुद भी पता नहीं चलता है ना कि सफ़र कहाँ से कहाँ चल रहा है। तो वो 2012-13 था एहसान भाई, अब तक सफ़र में ही है माशाल्लाह, 10 दिन यहाँ है तो 15 दिन कहाँ है, बस ये 10 साल से ही घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बस इस तरह हुआ। फिर ओमान के बाद मैं दुबई मूव हो गया, फिर वहाँ पे इस तरह अपना बैंड बनाया, काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खलीज मुवालिक यहाँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का प्यार था जो आज तक दे रहे हैं। अब ज़्यादातर मतलब किस तरह के इवेंट्स कर रहे होते हैं आपका विश्व? इवेंट जो हमारे ज़्यादातर होते हैं ना ऐसा भाई, शादी के बहुत होते हैं, शादी वगैरह के इस तरह के, फिर कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो जाते हैं, जैसा यहाँ पे हमारे पोर्ट ग्रैंड में हो जाता है कल्चर डे पे, या वहाँ पे कुछ ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो बलोची कल्चर के हिसाब से, या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इस तरह के कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं हमारे शादी के इवेंट्स वगैरह, उसमें मुझे बहुत बुलाया जाता है जी। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले चाहेंगे कि सबसे पहला गाना मैं आप लोग अगर कुछ सुनाएं, ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए ना, फिर हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। ये सॉन्ग अभी रिलीज हुआ हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी काफी लोगों ने प्यार दिया। तरा अल्लाह वती दस्ता गो साजता उफ मन मबाता जानी मना किस्मत जता तरा अल्लाह वती दस्ता गो साजता उफ मन मबाता जानी मना किस्मत जता अल्ले गिंदा तरा मैं दिल न सकी तरा बद छमे मलगी ओ तरा बद छमे मलगी वो रंगो जमाला तो भी मिसाले उसने फरिश्ता तो अल्लाह कमाले रंगो जमाला तो भी मिसाले उसने फरिश्ता तो अल्लाह कमाले तरा अल्लाह वती दस्ता गो साजता उफ मन मबात जानी मना किस्मत जता उफ मन मबात जानी मना किस्मत जता उफ मन मबात जानी मना किस्मत जता। वाह जबरदस्त। ये भी गाना मेरे ख्याल से इसके लिरिकल वीडियो हमारे पास आए हुए थे बनाने के लिए, इसके पोस्टर्स और लिरिकल वीडियो हमने तैयार किए थे आप लोगों ने जी, बिल्कुल मुझे याद है। बिल्कुल। अब ओमानी आर्टिस्ट किस तरह के हैं, मतलब वो बाहर के सिंगर को वेलकम करते हैं कि बाहर से कोई आए उनके मार्केट में एंटर हो जाए और नाम कमाए? एहसान भाई बिल्कुल, मैं इसी चीज़ से हैरान था, हालांकि मैं भी बाहर का ही था जब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मैंने यही बात की ना आपके कि वहाँ पे सॉरी टू से हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मैंने बोला पढ़े हुए, मगर नहीं है उनकी कदर नहीं है यार एहसान भाई, बहुत दुख की बात है कदर नहीं है। मैं जब वहाँ पे गया उन्होंने देखा बोला नहीं यार इस बंदे में कुछ है,
उन्होंने मुझे चांस दिया अपने बैंड में, उनके बैंड में मैंने प्ले किया, उन्होंने सपोर्ट किया, यानी आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं भाइयों जैसे। आज तक ये नहीं कि वो टाइम था, आज तक भी कोई नया चीज़ अगर वो रिलीज़ करते हैं सबसे पहले मुझे भेजेंगे, ताबिश तुम देखो ये ओके नहीं। अगर मैं इस तरह कोई चीज़ रिलीज़ करता हूँ तो मैं उनसे मशवरा आज तक लेता हूँ कि यार देखो ये चीज़ मैंने किया है, इस पर काम चल रही है ओके या नहीं। यानी वहाँ पे कदर है, आप यहाँ से वहाँ जाओगे लाजम आपको सपोर्ट करेंगे वो लोग। वो इंसान पे डिपेंड करता है एहसान भाई, हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता है कि अगर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके अच्छाई को मिसयूज़ भी कर लेते हैं, समझ आई उनका, यानी जो बोलते हैं एहसान फरामोशी, सही है ना। अब आप अगर उनके अगले के साथ सही हो तो अगला आपके साथ मरते दम तक सही चलेगा, आप खराब हो कोले अरब हो गए यमी निसार करोगे फिर लाजम वो आपको भी साइड पे कर देंगे ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं आज तक, शाह सुल्लू हो गया, अली अल्लाश हो गया, नदीम शनान, ये सारे दोस्त मेरे भाई हैं अच्छे, आज तक हम साथ ही इवेंट्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक खलीज में, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से जान। और मेरे सबसे अच्छा जो मेरा अपना म्यूजिशियन जो मेरे गाने चला रहा है अहमद जुल, उनसे अभी मैं इसी बारे में ही सवाल करने वाला था, उनकी मुलाकात आपसे हो चुकी है माशाल्लाह, मैंने बोला तफसील में इसके साथ इसका तो जिक्र तफसील में होना चाहिए था। अहमद जुल माशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और अच्छी बात यह है कि उसने म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है वो भी मेरे सॉन्ग से ही ली थी, उसने पहला गाना ही मेरा वहाँ पे कंपोज किया था, उस टाइम वो इवेंट्स पे खाली प्ले करते थे, पहला गाना उसने मेरा ही वहाँ पे कंपोज किया था एक साथ। फिर तब से लेके आज तक यानी मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वायरल सबकी म्यूजिक अहमद जुली करता है वो। मतलब मेरा तो फेवरेट कहते हैं ना कि दोस्तों में से, मैंने जब ओमान में वक्त गुजारा है तो मेरे सबसे फेवरेट लोग यही थे, शाह सुल्लू थे, जेम होते हैं उनके साथ, जेम थे और अहमद जुल थे, मतलब हमारा जुमेरात की रात जो हमारी होती थी ना, जाते थे निकलते थे, हाँ। मतलब हमने काफी वक्त साथ में गुजारा है और नो डाउट कि ये बेहतरीन लोग हैं। मतलब इन्होंने, मैं जब भी इनसे मिला हूँ बहुत वेलकमिंग रहे हैं, मतलब कभी फील होने नहीं दिया मुझे कि मैं कोई बाहर का बंदा हूँ या अलग से कहीं से आया हूँ। यानी मैं तो ऐसा था, यानी मेरा तो कोई वहाँ पे थे नहीं, तो यानी इन्होंने ऐसा मुझे किया हुआ था जैसा भाइयों के जैसे घर में आना जाना। जी जी, शाह भाई तो मतलब उनकी अम्मा भाई भाभी वगैरह सब बाय नेम जान रहे होते हैं हमें, मतलब उनके साथ इतनी क्लोज सेटिंग हमारी बनी हुई थी। ये बताएं कि अहमद जुल के साथ सबसे पहली रिकॉर्डिंग कौन सी थी आपकी? अहमद जुल के साथ मेरी पहली रिकॉर्डिंग, वहाँ पे एक कार्नावाल चल रहा था, हर साल वहाँ पे किया जाता है कार्नावाल, वो जो वहाँ के जितने भी सिंगर्स हैं उनके एल्बम बने जाते हैं, कलेक्शन पूरा आता है अलग अलग सिंगर्स की एक साथ हर सिंगर के। तो उस दौरान मेरा भी बैंड था वहाँ पे, तो उस दौरान मैं भी कार्नावाल के सिंगर्स में उनके साथ, यानी मेरे लिए एक बड़ी बात है, मैं छोटा सा एक सिंगर था, यानी अब्दो हो गया, नदीम अल्लाह, शाह सुल्लू, उस्ताद मकबूल साहिर, ऐसे बहुत से सिंगर्स थे, उनके बीच मेरा भी वो कार्नावाल था, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मेरा भी वो सॉन्ग था। तो वो मेरा सॉन्ग म्यूजिक वो अहमद ने किया हुआ था, अहमद ने दिया हुआ था, वो पहला सॉन्ग मेरा अहमद ने वो कंपोज करके उस एल्बम में दिया था। कोजा शोता ते वादा दर्द मना दा ज्यादा बेवफा बेवफा भी तगे, ये सॉन्ग था। और ओमान में पहला वीडियो भी मैंने ही बनाया था वहाँ पे सिंगर्स पे, सिंगर्स वीडियो नहीं होती थी, शाबाश, वहाँ पे जो सिंगर्स हैं वो वीडियो पे इतना फोकस नहीं करते थे, मैंने वहाँ पे वीडियो का काम स्टार्ट किया, तो वहाँ पे माशाल्लाह सब ने देखा, बोला यार माहौल तो यहाँ पे, फिर अभी हर कोई माशाल्लाह वहाँ पे वीडियो का काम चल रहा है हिसाब किताब। वहाँ पे वीडियो सिर्फ उस्ताद शाह सुल्लू बनाता था, वो भी आप माशाल्लाह करते थे काम, जी जी उस्ताद शाह सुल्लू के वीडियोस थे। फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो का काम वहाँ पे स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब वीडियो के चक्करों में पड़े हुए हम सब। ओमान के ही टॉपिक में रहेंगे, ताबिश भाई मुझे ये बताएं कि आपका अपना पर्सनल ओमानी फेवरेट सिंगर कौन है? यार एहसान भाई, कहने का मतलब ये, वहाँ पे बहुत सीखने को मिला, वहाँ पे जिसकी आप आवाज़ सुनो आपको एक यूनिक चीज़ सुनने को आया, नो डाउट। हाँ, यानी आप बोलोगे यार इसकी भी आवाज़ अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, सब अच्छे हैं यार, सब बेहतरीन है एहसान भाई, आपने तो सुने
सारे माशाल्लाह क्या कहेंगे सबके माशाल्लाह। अगर आपको कोई मतलब कहे कि ओमान में से टॉप थ्री बलोची सिंगर्स अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप उन टॉप थ्री में किन किन को देखना चाहोगे? यार ऐसा भाई अब पट्टा करवाओगे? नहीं नहीं से नाम नहीं आएगा आप भाई जी जार मगिर ही माँ दोस्तानी नामा ना और का नहीं नहीं यार बहुत अच्छे हैं यार सारे ही अच्छे हैं एहसान भाई सब अच्छे सिंगर्स हैं माशाल्लाह। यानी सीनियर्स में अगर आप ले लो तो जो मेरे अपने भी बेंच के जो सिंगर हैं वो उस्ताद शाबसुल्लू का तो पहले ही बोलेंगे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं अभी तक माशाल्लाह उनमें वो है गर्स वो अभी तक गा रहे हैं और उन्होंने सुपर हिट गाने दिए हैं बोरो अल्लाह तआला माफ का सारा इरकना तौबा तौबा तई दुरूगा इनके ये ऐसे सॉन्ग्स थे जो एहसान भाई मैं यहाँ पे जब मेरा स्टार्टिंग में मेरे इंटरव्यूज हुए थे चैनल्स में तो मैं इनके ही गाने गाता था शाबसुल्लू के तो यानी ये तो वो है के सदाबहार जिनको कहते हैं ये वो है बाकी अल्लाश हो गया अल्लाश की भी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ज़्यादातर वो क्लासिक उस्ताद नुसरत को कॉपी करता है वो बहुत उसके स्टाइल में गाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और नदीम भाई हो गया नदीम तो मेरा शुरू से ही फेवरेट था ये है मेरे फेवरेट सिंगर्स में से। नदीम का एक गाना था मतलब वो अब भी अगर मेरे कुछ जानने वाले थे वो गाना सुन के रोया करते थे चे मुराद ये तई मात बिल्कुल 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 मतलब दर्द होता था उस गाने में मतलब ये वो आर्टिस्ट है माशाल्लाह जो ये भी खानदानी है नदीम के वाले साहब भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उस्ताद शन्नान वो भी बड़े उमान में जो बलोची आर्टिस्टों में से जो स्टार्टिंग में जो हमारा बलोची जुबान जिन्होंने जगाया उनमें से एक नदीम के वाले साहब का भी नाम है और उनका गाना भी अभी दोबारा टिकटॉक में पता है वायरल हो रहा है मैंने सुना है कि वो बलोची गाना है ओ नुन्नु के मात ये इनके वालिद का गाना जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल 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 ये नदीम शन्नान के वालिद का गाना है शन्नान जी जी बिल्कुल और करीब मेरे ख्याल से 2012-13 में इनका एक वो गाना था उमान है अंबा और उमान है अंबा इनके टॉप सॉन्ग मैं आपको बोल रहा हूं ये भी जैसे फनी स्टाइल के गाने होते हैं ना इनके वालिद साहब के वो गाने थे मगर माशाल्लाह नदीम ने वो रंग नहीं अपनाया नदीम ने बिल्कुल माशाल्लाह प्रॉपर अपनी एक अलग पहचान बनाई अपनी एक होता है ना जो बोलता है यार मैं अपने वालिद साहब नहीं मगर नदीम की अपनी एक अलग पहचान है माशाल्लाह इस चीज़ पे बहुत बड़ी बात है उनके अपने वालिद साहब इस चीज़ पे उस पर फ़ख्र करते थे कि यानी तुमने मेरा रास्ता नहीं अपनाया तुमने जो किया सिंगिंग कर रहे हो मगर तुमने एक अलग वैसे किया मैं तो बचपन से ही समझो उनके पास था देखता था इनके वालिद साहब इनकी वालदा यानी मेरे आंखों के सामने ही वफात हुए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और इसी तरह हम्माद आप मुझे बताओ कि आपके फेवरेट सिंगर्स की अगर लिस्ट पूछी जाए तो टॉप थ्री में कौन कौन होंगे? वैसे तो पाकिस्तान के नामवर सिंगर कव्वाली है नुसरत फतेह अली खान साहब उनका तो कोई सानी नहीं माशाल्लाह इंडिया में चाहे कहीं भी हो उनके जैसा है कोई नहीं फिर उसके बाद जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं आतिफ असलम उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिली है मुझको जैसे कि वो यहाँ से इंडिया गए इंडिया में मतलब एक रोमांटिक सिंगर बने वहाँ पे वहाँ के रोमांटिक सिंगर बन गए इंडिया के और उसके बाद जो है अब तो चल रहा है अरिजीत सिंह अब उसको ज़्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तान में मतलब उस तरह से काम नहीं होता पाकिस्तान में अब ओएसटी चल रहे हैं ड्रामों के सॉन्ग चल रहे हैं बाकी मतलब उस तरह प्रॉपर वर्क नहीं हो जा वहाँ फिल्में बनती हैं फिल्मों के हिसाब से गाने बनते हैं इस वजह से तो वहाँ पे अरिजीत सिंह के यहाँ पे मेरे सबसे फेवरेट नुसरत फतेह अली खान साहब और बलोची सिंगर्स की अगर लिस्ट आपसे पूछी जाए तो उसमें कौन कौन आएंगे? बलोची सिंगर में एक तो हमारे भाई हमारे साथ और जैसे कि शाहजान बलोच हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और नदीम शन्नान ने नाम लिया वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका भी नाम उनके सॉन्ग मैंने काफ़ी सुने थे मैं और मेरे बैंड के लड़के लतीफ है अदील है और सुफियान वो मतलब काफ़ी इसको प्ले करते हैं काफ़ी इसको सुनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं काफ़ी जबरदस्त ताबिश भाई तो ओमान से दुबई शिफ्ट होने का ख्याल किस तरह से आया आपको कि यार अब बस ओमान छोड़ दो दुबई जाना? नहीं एहसान भाई देखो ये एक कुदरती चस्का है जो चीज़ आपको हासिल हो जाए ना फिर आप बोलते हो यार अब थोड़ा और आगे जाना है यानी और मेहनत करना है अब यहाँ पे तो किया अब फिर वो चीज़ मिल जाए फिर आप बोलते हो नहीं यार इसके आगे भी दुनिया है
फिर वो मिल जाए, फिर बोलते नहीं यार अभी तो और आगे जाना है, कुछ तो है आगे। तो सीन ये था, ओमान का चस्का था बचपन से, जैसा आपको बोला, वहाँ पे माशाल्लाह इतना प्यार मिला, वहाँ पे कंपटीशन बहुत था, ओमान में अभी तक बहुत कंपटीशन है। यानी कहने का मतलब ये, ओमान में जिन होते हैं ना, जिन भला जिन्हों के बीच में मैं था, यानी फिर भी अल्लाह का शुक्र है अपने को किस तरह संभाला हुआ था, अल्लाह का शुक्र है लोगों का प्यार था। तो वहाँ पे बैंड्स वगैरह वहाँ पे बहुत थे कोरोना से पहले। एहसन भाई मैं आपको क्या बताऊँ, एक गली यहाँ पे यहाँ इवेंट हो रहा है तो बिल्कुल बराबर में दूसरा बैंड लगा हुआ है, यानी इतने वहाँ पे बैंड, इतने म्यूजिशियंस भरा पड़ा है ओमान। आप देख लो एक बैंड में 15-16 बंदे प्ले कर रहे हैं, 3-3 कीबोर्डिस्ट हैं, उन 3 कीबोर्डिस्टों के पास 2-2 कीबोर्ड लगे हैं, यानी 6 कीबोर्ड आपके एक इवेंट में, 5 बंदे कोरस देने वाले माशाल्लाह, एक ड्रमर, एक वो, एक ढोलक, यानी 15-16 बंदे आप देखो, यानी पूरा कॉक स्टूडियो लेके वो लाइव चल रहे हैं, समझ रहे हो। यानी ऐसा था हर कोई, कोविड के बाद वहाँ पे ऐसा कोई माहौल हुआ एहसन भाई, किसी ने फील्ड छोड़ दिया कोई क्या। अब ओमान में सिर्फ 3 से 4 बैंड है, जिस टाइम मैं था एहसन भाई तकरीबन 8 से 9 वहाँ पे बैंड थे, 9 से 10 बैंड तकरीबन, 9 से 10, उसमें से एक मेरा बैंड था फरकत विसाल, उसमें हम काम करते थे सब, यानी ऐसा था। फिर उसके बाद मुझे दुबई से ऑफ़र आई, खुद मुझे दुबई से खुद ऑफ़र आई, वहाँ पे वहाँ के नेशनलिटी होल्डर लोग थे, म्यूज़िक लवर हैं वो भी, उन्होंने बोला कि हम बैंड बना रहे हैं। यानी एक चीज़ होती है, हमारी ज़बान का भी फ़र्क होता है, ज़बान साफ थी, इस लहजे पर उसने देखा यार दुबई में ईरानी लोग हैं, फारसी लोग हैं, इस तरह के वो मिक्सअप करके बलोची लफ्ज़ जो अदा करते हैं वो अदायगी भी सही नहीं होती है, समझ रहे हो। तो वो बंदे ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, मुझे बोला यार, मैं वो थोड़ा सियाणा था ना, उसने बोला यार काम तो सब कर रहे मगर मैं थोड़ा डिफरेंट काम करूँ। उसने मुझसे रबता किया, मेरे थ्रू एक मेरा दोस्त था वो अली उमानी, उससे रबता किया, उसने बोला मुझे ये बंदा चाहिए ऐसे ऐसे ना, मैं अपने बैंड में इसको काम करवाना चाहता हूँ, यानी उसका अपना बैंड था, मैं इसको बुलाना चाहता हूँ अपने पास ये। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने नदीम से मशवरा किया, नदीम उस टाइम मैं नदीम साहब होते थे ना, नदीम भाई ऐसा ऐसा सीन है। फिर नदीम भाई ने मुझे समझाया, बोला देखो तुमने यहाँ पे जो अपना मैदान जमाया है, मार्केट जमाया है, तुम्हें काफ़ी टाइम लगा है, अब तुम जब वहाँ जाओगे ना, तुम्हें इसी तरह ये जो साल यहाँ ज़ाया किए वहाँ पर भी, हाँ वहाँ पर भी इसी तरह तुम्हें ये अपना टाइम ज़ाया करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें लोग पहचानेंगे। उस टाइम टिकटॉक वगैरह ये चीज़ें थी नहीं एहसान भाई, अभी तो बंदा यूं फेमस हो जाता है, उस टाइम ये चीज़ें थी नहीं। तो मैंने बोला मिल्ला यार मुझे रिस्क उठाने में मज़ा आता है, जिस काम में रिस्क है ना उसमें मज़ा आता है। मैंने बोला यार चलो यहाँ पे भी अल्लाह पे मुझे तवक्कल था, अल्लाह ने यहाँ पे भी सलामत किया, कामयाब किया, अगर वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने डिसाइड कर लिया मिल्ला भाई मुझे अब दुबई जाना है, अब मैं वहाँ काम करूँगा। फिर ओमान से मैंने मूव किया, ओमान से मूव किया दुबई आया, वही बात, चलो उस टाइम 1-2 तो इवेंट थे उस बंदे के वो किए, अब उसके बाद क्या करना है। तो 2-3 महीने भाई मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, ना काम ना कुछ। अब नदीम फ़ोन करा, तुझे मैंने बोला था ना सोच समझ के जाना ये हो, अब वो भी परेशान। फिर वो ओमान से आया मुझसे मिलने दुबई, फिर मेरे ओनर से बात की, भाई क्या सीन है ये, बोला यार अब बोलो ऐसे तुम लोग बैठो इवेंट्स नहीं आएंगे, अब लोगों के दिमाग में ये ताविश अभी तक ओमान में। फिर नदीम ने मशवरा करो तुम लोग अपना एक एल्बम करो, तो एल्बम मैंने वहाँ पे किया दुबई में एल्बम किया, फिर थोड़े काम चलते गए। अब यूँ हुआ मेरा वहाँ पे मसला कि मुझे कोई और बैंड वाले थे वो भी मुझे बुलाते थे कि यार तुम हमारे बैंड में आओ गाओ, हम तुम्हें एक रात का तुम्हारे क्या चार्जेस हैं हम तुम्हें वो देंगे। अब जो मेरा बंदा था जो मुझे लाया था वो भाई मुझ पर इस बात पर इख्तलाफात उसके शुरू, नहीं तुम्हें मेल आया हूँ तुम वहाँ जाके कैसे गाओगे। अबे भाई तुम लाए तुम्हारे इवेंट हो, अब मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ 4-5 महीने से, ना प्रोग्राम है ना कुछ है, अब मैं हर हफ्ते गाने वाला बंदा 4 महीने से ऐसे ही बैठा हूँ। तो मेरे यहाँ पे उसके कुछ इख्तलाफात हो गए तो अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देता है। फिर मेरे एक दोस्त है वहाँ पे नासिर अल बलूची, वो वहाँ पे नेशनलिटी होल्डर है, बलोच है वो भी, तो उनसे मेरा रबता हुआ, उन्होंने मुझे बोला तुम इसका बैंड वगैरह छोड़ो सब चीज़, मैं तुम्हें अपना ओनरशिप देता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद वीज़ा देता हूँ। तो उसने मुझे माशाल्लाह फिर म्यूजिशियन का वीज़ा वगैरह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो लाइफ टाइम का होता है।
फिर उसने मुझे सपोर्ट किया, फिर मेरा काम वगैरह, मैंने उसको फिर छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद अपना बैंड बनाया। अपना बैंड बनाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 में दुबई में, जो अपना काम मैंने कि 2016 में मैं शिफ्ट हो गया था 17 में दुबई में, तो 18 में मैंने अपना बैंड वहाँ पे बनाया। फिर अपना बैंड मेरा तब से ही चलता जा रहा है जान अल्हम्दुलिल्लाह, 2018 से 2023 से, फिर जब से नासिर भाई ओनरशिप में थे उनके बाद से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी यहाँ टूर कभी वहाँ आना जाना, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी तक चल रहा है सन भाई, अल्लाह का लाखों करोड़ शुक्र है। सबसे ज़्यादा कहाँ बजाने में मज़ा आता है, ओमान में, दुबई में या पाकिस्तान में? यार मज़ा तो देखो हर जगह के अपने अपने रंग हैं। अब आप यहाँ पाकिस्तान में आओ तो यहाँ पे लाइव बैंड का काम है, सही है। अब दुबई में जाओ तो दुबई में वहाँ सैम्पलर ऑटो जो हमारा चलता है, जो आजकल चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग हर सॉन्ग्स वगैरह आप चालू करो, एक अब अपना ही म्यूज़िक है, यानी दो कीबोर्ड है, आपको लगा 15 बंदे प्ले कर रहे हैं उसमें, सब चीज़ उसी में, समझ रहे हो। ओमान का अपना मज़ा है। अब ओमान में भी म्यूज़िक चेंज हो गया है बहुत, काफ़ी हद तक आप देखो कि लाइव बैंड पे कोई काम नहीं कर रहा है, लाइव बैंड अब वहाँ पे भी ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब आगे जा रहे हैं ना, जिस तरह म्यूज़िक में चेंजिंग आ रही है, काम चेंज होते जा रहे हैं, अब ओमान में भी ऑटो काम जो दुबई का काम है वो अब ओमान में भी हो रहा है, कराची में भी अब वही काम हो रहा है। जो न्यू यूथ के जनरेशन है सब ने देखो कीबोर्ड लिए हुए छोटे वाले, उस पर ऑटो कर रहे हैं, उसी पे ही काम कर रहे हैं, कराची में भी अब वही काम हो रहा है। ज़्यादातर मज़ा अगर आता है दुबई में, बेस्ट मज़ा आता है वहाँ पे प्रोग्राम का। ताबिश भाई, अगर हम आपसे पूछें कि अपना सबसे यादगार फ़ैन मोमेंट अगर आप बताएं कि यार मुझे यहाँ पे एक फ़ैन मिला था, वो जिस तरह मुझे मिला था मुझे अब तक याद है, फैन, हाँ कोई ऐसा वाकया, फैन के साथ मुलाकात, कहीं मॉल में घूम रहे हैं या कहीं बैठे हैं, मुलाकात ऐसा भाई बहुत होते हैं यार, मुलाकात बहुत होते हैं, मगर एक था वो तो बिल्कुल कोई बंदा, वो बिल्कुल ही मैं बोलता हूँ पागल था, जुनून था उसका, वो था भी वो लियारी का ही बच्चा, साबू माया उसका नाम था, अलग, हाँ साबू माया, खतरनाक नाम, नाम भी खतरनाक। उससे मैं मुश्किल से कहीं एक दो बार मिला, वो भी जब उसकी मैंने चीज़ें हरकतें देखे उसके बाद मैं मजबूर हूँ मिलना, यार इस बंदे से तो मिलना है भाई, तो वो अभी तक है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। तो वो बचपन से यानी छोटा था, वो अभी भी छोटा है, मुझसे तो छोटा है, तो उसने अपने घर के पूरे वाल में मेरी तस्वीरें थी, तकरीबन उसके मोबाइल में मेरे होंगे होंगे नहीं होंगे 450 से 500 तस्वीरें थे, मेरे मोबाइल में भी इतने नहीं थे। उसने इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, जो सोशल साइट्स में मेरी तस्वीरें वहाँ से सब निकल, उसके पास सब थे। तो एक बार उसका मैंने वॉल देखा दीवार का पूरा भरा हुआ था मेरे तस्वीरों से, फिर एक दोस्त ने फ़ोन किया यार ताबिश लाजम, इससे लाजम तुम्हें मिलना है, फिर मैं खुद आया था बकरा पड़ी उससे मिलने, उस बंदे से मिला, फिर उसके साथ बैठा एक दो बार उससे मिला, फिर अभी तक उससे सलाम दुआ है। यानी ऐसे मोहब्बत करने वाले बहुत से लोग हैं सन भाई, लोगों ने पेंटिंगें बनाई हुई है रखे हुए घर पर, हालाँकि इतने वो नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये लोगों का प्यार है, जो इस प्यार के वजह से अल्लाह ने हिम्मत दी है अभी तक चल रहे हैं, और आगे भी कोशिश है कि अच्छे अच्छे सॉन्ग्स करें अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। हसन भाई, ताबिश भाई, कराची के बारे में बताएं कि कराची में जिस तरह के इवेंट्स आप करते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है, ओमान में, कराची में या दुबई में, सबसे ज़्यादा मज़ा, मतलब आपको लगता है कि यार आज बजाया है मैंने, आज मज़ा आया मुझे बजाते हुए? यार हसन भाई एक तो बात है, मैं अपना हर इवेंट दिल से करता हूँ, नो डाउट, यकीन करें दिल से, मेरा टास्क यही होता है, मैं बोलता हूँ यार मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम मेरी इज्जत रह जाए, बस पार्टी मुझसे खुश हो जाए, पार्टी बोले कि यार वाकई तुम हमें खुश करके गए हो। मैं हर जगह हो, चाहे मस्कत हो, दुबई हो, बहरीन जाता हूँ, कतर में अभी प्रोग्राम किए, कराची में अभी मेरा रिसेंटली था जावेद बेरिया में, बड़ा इवेंट था माशाल्लाह, हमारे मंथ के बलोच थे, उन्होंने ख़ास मुझे बुलाया हुआ था, टिकट वगैरह सब चीज़ करके। तो यानी मेरा टास्क यही होता है हसन भाई के काम मेरा अच्छा हो, दिल से जान छुड़ाने वाला काम नहीं करूं। और मेरी एक आदत है, मैं अपने प्रोग्राम में वन मैन शो ही गाता हूं हसन भाई, हाँ 12 बजे अगर प्रोग्राम स्टार्ट है 12 बजे से गाऊँगा सुबह फजर तक। जब एक इवेंट अपना उठाता हूँ तो फिर एंट्री नहीं उठाता हूँ, कुछ सिंगर्स हैं जो अपना इवेंट भी है फिर वो एंट्री उठा लेते हैं, वहाँ से भी पेमेंट लेते हैं, तो वो सारा वक्त ही उनका रास्ते में ही गुजर जाता है आने जाने में। मगर मैं जिस पार्टी के पास जाता हूँ मैं शुरू से एंड तक
खुद वहाँ पे होता हूँ, मौजूद होता हूँ। यार कोई आप पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, पेमेंट आपको दे रहा है, तो लाजम उसको आपका धोपड़ा ही देखना है ना, आपका चेहरा ही देखना है। आप आगे पीछे हो जाओ, वो दूसरे सिंगर के तुलिए उसने आपको पैसे नहीं दिए ना। तो ये चीज़ अपने इवेंट चाहे दुबई हो चाहे यहाँ पे, वन मैन शो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, शुरू से एंड तक खुद ही खड़ा होता अपने इवेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम ऐसा होता है कि मैं भी मस्त, पब्लिक भी मस्त। वो तो नो डाउट हम वीडियो देख रहे होते हैं कि कैसा माहौल बना हुआ होता है, मतलब ऑडियंस का जो जोश होता है ना, वो देख के ही बंदे को मजा आ जाता है कि यार कि माहौल बनाया हुआ है। ऑडियंस मजा दे रही होती है, पता ही नहीं चलता है, सुबह फजर हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, अजान के टाइम शुरू हुए, फिर बाद में बांग पे के बंद बेकने, फिर बंद करते अजान हो गया, बंद करो अब, ये सीन है। और यहाँ पे और वहाँ पे टाइमिंग का फर्क है। हमारे यहाँ माशाल्लाह 12 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं कराची में, वहाँ पे 9 बजे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, 2 बजे खलास कहानी घर घर की 2.5 बजे तक, और यहाँ पे 12 बजे स्टार्ट लो फजर को, 7-8 बजे ली मार्केट में नाश्ता कर रहे हो या सदर में बैठे हो, यही सीन है भाई यहाँ पे तो माशाल्लाह। ताबिश भाई, मैंने ये सुना है कि मतलब ओमान में अगर किसी के घर में शादी है जी, और उसने बड़ा फंक्शन रखा है, लोग आए हुए हैं, गाना बज रहा है, और अगर उसका हमसाया परेशान हो रहा है, उसने फ़ोन किया, तो उसका फंक्शन बंद हो जाएगा? नहीं, ये ओमान में ऐसा कम है, दुबई में ऐसा ज़्यादा है। ओमान में ये है कि माशाल्लाह कुछ एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पे अरब कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो थोड़ा एतराज़ करते हैं, मगर वो फिर भी अगर बंदा जाए उनसे बात करे, लिहाज कर लेते हैं। अगर वहाँ पे पुलिस भी आ जाए तो पुलिस ज़्यादा बोलेगी यार तुम्हारी खुशी है, बस आवाज़ कम कर दो ओमान में, मगर दुबई में तो ऐसे बहुत वाक़ियात हैं हमारे। हाँ, दुबई में आपको पता है, ओमान में आपको बलोच और अरब मिलेंगे, दुबई में आपको माशाल्लाह हज़ारों ज़ुबान मिलेंगे, वहाँ पर इतने अरब नहीं है जितने वहाँ पर बाहर के लोग हैं। और जिस गली में हम इवेंट कर रहे हैं वहाँ पे बलोच भी हैं, मिस्री भी है, सूरी भी है, सूडानी भी रहता है, अरब भी रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे अब किसी को बोलते हैं यार गुटका है, सुबह ड्यूटी है, ये तो वो फ़ोन कर देते हैं, मगर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बलोचों की बहुत इज्जत है। खलीज ममालिक में आप हर कम्युनिटी में चले जाओ, चाहे पुलिस का शोबा हो, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, बलोच आपको वहाँ पर लाजिम मिलेगा। और ये कि वो फिर लिहाज कर लेते हैं कि यार चलो तुम थोड़ा आवाज़ से लो कर दो या कुछ कर लो, या शुरता पुलिस खुद जाके उस घर वाले से जिसने कंप्लेंट की है उससे बात कर लेगी कि यार उनका खुशी है, 1-2 घंटा तुम बर्दाश्त कर लो, फिर वो बोलते हैं चलो ओके मसला ले, प्रोग्राम हो रहे, इस तरह होता है बिल्कुल, वहाँ पर कानून है बिल्कुल, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। जी जी, आपका आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप बजा रहे हैं? भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ, मैं गा रहा हूँ मेरे सामने पुलिस वाला आया, मेरे को बोलता है बंद कर, मैं बोल रहा हूँ पार्टी है, फिर एन में कार्ड दिखे आया भाई तहरिया CID में, बंद करो मेरे को, तो भाई बंद करो हमें भी उठा के ले। मेरे साथ तो बहुत हुई है, हमारे प्रोग्राम्स में तो बहुत होते हैं भाई, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स में टोटल वहाँ पे दुबई का माहौल ऐसा है। अच्छा, जो ओमान का माहौल है वो आपने देखा है, हमारे कराची का माहौल है, लेडीज जेंट्स वहाँ पे मिक्स हैं, हालांकि बंगाली भी खड़े हैं वहाँ पे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब इंजॉयमेंट सब मिलके करते हैं, मगर दुबई और कतर में इस तरह नहीं है। हमारा बैंड बीच में, पीछे हमारा खेमा है, खेमे के बैक साइड पे लेडीज़ होती हैं, फिर हमारे सामने जेंट्स होते हैं, यानी वो भी हमें सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं जेंट्स को, यहाँ पे ऐसा इवेंट्स होता है। जो जेंट्स वाले पार्टी आपको पता है, हड़ा उड़ी, कोई मस्त हुआ हुआ है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो कभी कभार फटे फसाद भी हो जाते हैं, मगर आवाज़ फिर फुल होता है। तो इसमें तो बहुत बार हुआ है भाई, वो कंदूरे में आए पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, मेरे को इशारा कर रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो कार्ड दे रहा है ना तहरियात, और फिर बाबा ही बंद करो भाई पुलिस आ गई है। यानी इस तरह भी होता है, कभी मोबाइल की आवाज़ बाहर आती है तो हम बोलते हैं यार पार्टी वाले गए, वो बात कर रहे हैं, माहौल मोशन नहीं खराब वो लोगों का, तो वो कभी कभार खुद अंदर आ जाते हैं कि भाई बैंड वाला तो बंद ही नहीं कर रहा है, क्या सीन है, फिर वो दिखाते हैं कार्ड के भाई हम ऐसे ऐसे कंप्लेन हुई है आप लोगों की, फिर हम बंद कर लेते हैं, फिर बात मत, अगर रफा दफा हो गया नहीं तो अगर हम देखते हैं 2 बजे इवेंट वैसे भी ख़त्म होने वाला है तो फिर हम प्रोग्राम बंद कर देते हैं। चलो अब ताबिश भाई, आप कराची में जो शादियों में फंक्शन होते हैं, आज से 10-11 साल पहले कैसा माहौल होता था उन फंक्शन का, और आज 2023 में आप कितना फ़र्क देखते हैं उस चीज़ में? बहुत फ़र्क है सन भाई, अभी तो बहुत फ़र्क है।
आपके आंखों देखी बातें हैं कि पहले कैसे माहौल होते थे, अभी कैसे माहौल है माशाल्लाह। अभी तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है, लोगों में शऊर आ गया है। पहले तो शऊर नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। अभी शऊर आ गया है, लोग समझ सकते हैं अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं। अभी इवेंट्स वगैरह खुल के बंदा कर सकता है, पहले भी थे मगर उस लिहाज से नहीं थे माहौल के मुताबिक, मगर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ ओके है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके। इसी तरह का एक सवाल आपको मैं बलोची म्यूज़िक के हवाले से भी करना चाहूँगा। अब बलोची म्यूज़िक ख़ासतौर पे अभी कराची का जो म्यूज़िक है, मतलब अगर हम ओमान की बात करें तो नो डाउट वो तो म्यूज़िक के मामले में हमसे बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के जो बलोची म्यूज़िक है उसमें आपने कितना फ़र्क देखा है कि चेंजेस आए उसमें या बहुत बेहतरी की ज़रूरत है? बहुत चेंजेस आई है सन भाई, बहुत चेंजेस आई है। हम पहले तो हम भी इन चीज़ों को नहीं समझते थे, जब वहाँ पे काम किया तब जाके जाना के कॉर्ड्स क्या है, चीज़ें क्या है। आप पहले रिकॉर्डिंग उठा लो, उसमें कॉर्ड्स हैं ही नहीं गानों में, सिंपल सिंपल सोलो बज रहे हैं, पता ही नहीं है कॉर्ड्स क्या है क्या नहीं है, गाने खाली खाली है, बेस का नामो निशान नहीं, बेस भी कीबोर्ड से ही लगते थे जो चीज़ था। अभी तो यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग हो गई है सन भाई, अभी बाकायदा हमारे बलोची गानों में कॉर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, बेस यूज़ हो रहा है, नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। अभी तो बहुत माशाल्लाह बहुत फ़र्क है, हमारे यहाँ के भी म्यूजिशियन माशाल्लाह यंग जनरेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो माशाल्लाह हलीम भाई थे और शानी उस्ताद ज़ौहर खान ज़ेबी के बेटे, उस्ताद ज़ौहर खान ज़ेबी खुद थे माशाल्लाह, ये थे माशाल्लाह। अभी तो आप देखें यंग जनरेशन है, मुजम्मिल उसमें हो गया माशाल्लाह, बहुत से लड़के हैं काम कर रहे हैं अच्छा। मुझे ये बताइए ताबिश भाई कि हम बलूचिस्तान के गाने अगर उठाकर देखें तो उसमें हमेशा हम पाते हैं कि वो तीन चार इंस्ट्रूमेंट ही जो होते हैं वही बज रहे होते हैं, जी जी ठीक है, और अब तक बहुत सारे सिंगर उनको फॉलो कर रहे हैं जी, तो उनको आप किस तरह देखते हैं? यार उनको देखते हैं इस नज़र से एहसान भाई, सबसे पहले तो वो हमसे बहुत दूर हैं, उनसे रबते भी नहीं है। और अभी जो वहाँ के जो सिंगर हैं बलूचिस्तान के माशाल्लाह, जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं जैसा हमारे वाला, वायदे में उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो आपसे नज़दीक हैं आप लोग लाजम उनको थोड़ा गाइड करो कि यार थोड़ा यहाँ पे हो, दुनिया अभी यहाँ पे, अभी म्यूज़िक वहाँ से यहाँ आ गया है, थोड़ा इस वे पे चलो। मगर बस उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं एहसान भाई कि वहाँ के भी अभी जो हमारे काफ़ी लड़के हैं जो अभी ये काम कर रहे हैं वहाँ से भी, बलूचिस्तान से नसीम अली हो गए, नसीम हो गया, इस्लाम ज़ेमर आजकल बहुत सुना जाता है, वहाँ के लड़के ये वायदे के ये उन जनरेशन को बोले कि भाई थोड़ा यहाँ आ जाओ, ये काम यहाँ पे भी है इस तरह बिल्कुल। आपको ताबिश भाई ये याद है कि आपके मामू ने सियासिया कैसे रिकॉर्ड किया था या किस तरह उनसे दिमाग में आया? मुझे याद है बिल्कुल, मैं छोटा था उस दौरान, तो मामू उस्ताद कीबोर्डिस्ट हैं हमारे बहुत अच्छे, धरती सिंध टीवी में भी अभी तक प्ले करते हैं, उस्ताद लार्जो, उस्ताद लार्जो तो क्रिश्चियन है वो माशाल्लाह, मगर उन्होंने बेतहाशा बलोची म्यूजिक में अपने जादू किए हैं। उस्ताद जॉर्ज उनके कज़न है वो, उस्ताद जॉर्ज हालांकि क्रिश्चियन है माशाल्लाह, उन्होंने का अपनी ज़िंदगी यानी बलोची म्यूज़िक को ही दे दी उन्होंने। तो उस दौरान वो लार्जो उनका माइंड ओपन था, वो आप गाना सुनो मामू को, उसमें कॉर्ड्स वगैरह देखो सब बज रहे हैं, हालांकि वो लोग म्यूज़िक सीखे हुए हैं प्रॉपर। तो मामू माशाल्लाह आपको पता है उस दौरान मामू के जो आवाज़ का अंग है वो इंडियन थ्रू लगता है, सिकंदर को मामू काफ़ी सुनते थे, सिकंदर सिंह को, तो फिर वो मामू उनके साथ उर्दू काम भी करते थे साथ साथ, जैसा मैं भी बलोची काम करता हूँ, उर्दू सिंधी पंजाबी हज़ारेवाल मियाँ वाली नियाजी सब जगह मैं चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मामू भी ऐसे ही थे माशाल्लाह, तो उस दौरान उर्दू काम भी करते थे मामू, तो मामू ने ये बीट बनाई, ये असल में अफ्रीकन बीट है, तो ये मामू ने अपना दिमाग चलाया उस दौरान, फिर ये म्यूज़िक इस म्यूज़िक पर काम किया उस्ताद लार्जो ने, ये म्यूज़िक माशाल्लाह अभी तक देखो चल रहा है। इस गाने को हालांकि बहुत से लोगों ने गाया, उस दौरान सोशल मीडिया नहीं था, मामू वालों को बेचारे सीधे साधे लोग, बस उनको ये पता है कि गाना गाने और प्रोडक्शन के हवाले कर देने,
चाहे कैसेट हो एल्बम, हम सब ऐसे ही थे सर भाई। आप लोग के गाने कितने चले, हालांकि आप लोग मॉडलिंग करते हैं लोगों के ख्याल से सिंगर आप लोग, काफी लोगों ने यही समझा था कि ये सिंगर है। मतलब मेरा यही लियारी के करीब में ही एक फंक्शन में जाना हुआ था, मैं बेस भी बजाता था असलम लोगों के साथ। जी जी, तो सारी रात गाने चलते रहे, मतलब जायद फैज कभी गा रहा है, कभी फोन आके गा रहा है, तो एक फीमेल आंटी आके खड़ी हो जाती है, वो मतलब गाना रुकवाती है कि बंद करे शुमा हमारे वक्त गाना जन गए, ये शर्री गाना वाले शुमा निंदार इंदा शे मौका न दिया गया। तो असलम वगैरह सारे हंसने लग जाते हैं मेरे ऊपर, अरे शिव शिव अंगा दब सुरे भाई। उस दौरान प्रोफेशनल वीडियोस भी आपके ही होते थे, आप थे बासित भाई थे, आप लोग किटिंग शिटिंग में इस तरह यंग जनरेशन के, उस दौरान लोग बोलते थे वाकई भाई सिंगर तो यही है, अब उनको पता नहीं था आप लोग लिप सिंग कर रहे हो। यानी देखा जाए जो बात है, ओमानी गाने हमारे इस जगह पे इंडस्ट्री में लाने वाले आप लोग ही हो। ओमानी सॉन्ग्स पे आप लोग माशाल्लाह वीडियोस बनाते थे, ये वो, फिर आप लोग के बदौलत हमें भी सुनने का मौका मिला, तो तब जाके बंदों ने जाना, उस टाइम नहीं था ना सोशल मीडिया। अब मैंने यही बात, जब मैं ओमान गया था तो मैं नदीम को बोलता था भाई गाने तुम्हारे चल रहे हैं या अल्लाश के चल रहे हैं, नाम अब्दो भाई का है, अरे अब्दो है गाने, अब्दो है गाने, सब अब्दो को जानते थे उस दौरान, अब्दो ओमानी सिंगर माशाल्लाह, अब्दो भाई को सब जानते थे। तो यानी उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था इतना, चेहरा किसी ने देखा हुआ नहीं था, अब बस ये पता था कि ओमानी टॉप सिंगर हमारे आपके टाइम, उस टाइम अब्दो था। हम मतलब हर शादी में अब्दो के गाने चल रहे होते थे ना, मगर वो गाने चल भी नदीम के रहे थे। हाँ, मिक्स चलते थे, मूसा लखनानी के गाने पे भी अब्दो के नाम लेते थे, सब बोलते थे कि अब्दो है अब्दो है। अब आराम से जब माहौल आता गया, पता चला अबे मतलब ऐसा था ताबिश भाई के शाहब सुल्लू का गाना है सारा इरकना रब्बे नामा गिरा, जब पहली पहली बार मैंने सुना था ना, मेरे एक दोस्त ने उन्होंने मुझे ये सुनाया था कि यार देखो ये ओमानी गाना है, और उसने भी मुझे यही बोला था कि ये नदीम शन्नान नाम का सिंगर है उसका गाना है। देखिए उस वक्त मेरी इतनी इंटरेक्शन भी नहीं थी शाहब लोगों के साथ या ओमानी सिंगर्स के साथ, हमने कोशिश करके वो सारा इरकना वीडियो मतलब हमने बनाई, हमने कहा यार अच्छा गाना है इस पर वीडियो करते हैं। तो मतलब ये होना था कि भाई जो सिंगर है रियल उसको मेरे ऊपर तब जाना चाहिए था कि यार मुझसे बगैर परमिशन के मेरी मेरे गाना लेके तुम लोग वीडियो बना रहे हो। उसने फ़ोन किया रिटर्न में शाहब ने पहली बार मुझे, मतलब एहसान शाह तुम हो, मैंने कहा हाँ मैं हूँ, मेरे वीडियो पे, मैं एक बार डर गया, मैंने कहा हाँ आपके वीडियो पे। उसने कितनी तारीफ की थी मेरी इस बंदे ने यार। मेरे साथ सेम यही चीज हुआ था जब मैंने वश चैनल में इनका पहले पहले गाना गाया तोबा तोबा तई दुरुगा, तो उनकी वालदा मुझे बहुत सुनती थी, फिर उनकी वालदा जब हम घर गए बाद में ये किस्से निकले, तो उनकी अम्मी ने उनको बोला सुल्लू ये बचके के तई गाने ना जाओ वश चैनल, देख बचके के तई गाने ना जाओ वश चैनल। फिर उस्ताद शाहब सुल्लू ने फेसबुक पे मुझे ढूंढा है कहीं वश चैनल पे देख के ये हो, तो मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है अपना नंबर भेजो, या पता नहीं कौन है। जब नंबर भेजा तो मैं देखूँ अजीब किस्म का एक नंबर, उस टाइम 11-12 मोबाइल था मेरे पास, ओमान का नंबर आ रहा है, इतने लंबे नंबर आया, हमें पता ही नहीं था भाई उस दौरान क्या है क्या है। फ़ोन उठाया हेलो मैं शाहब सुल्लू हूँ, शाहब सुल्लू तो कहे भाई ब्रो अल्लाह तेरा माफ़ कर ब्रो, अरे मैं तो हैंग हो गया 10 सेकंड तक, मैं नंबर देख रहा हूँ भाई तो मजाक मकान तो कह पर, अरे बेटा मैं शाहब सुल्लू, उसका तरीका आपको पता है ना बात का, अब भाई शाहब सुल्लू बात करूँ उस चैनल में देखा है तुम्हें, मैं तुम मेरे गाने गा रहे हो माशाल्लाह ये हो, अरे मैंने बोला यार देखो यार कैसा लोगों को वो प्यार देते हैं, कैसा सपोर्ट, यही तो बात है। जब मैं वहाँ गया तो फर्स्ट मुझे शाहब सुल्लू ही मिला, यानी दोस्ती मेरी उनसे ही थी, फिर उनके बाद जाके मैं अल्लाह से मिला, नदीम से मिला, अब्दो से ताल्लुकात हुए इस तरह। और मतलब मैंने ये पाया कि सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट जाता है ना, सपोर्ट करने वाला है ही सुल्लू, मतलब सबसे पहले उसी ने ही सबको मिलवाया सबसे। और अभी भी कोई भी नया बंदा जाता है ना, अगर शाह को पता चल जाता है कि कराची से या लियारी से आया है, बलोच आर्टिस्ट है या सिंगर है या एक्टर है या फिल्म से रिलेटेड है, ये बंदा खुद जाके उसके घर के सामने पहुंच जाता है यार, ये इसकी सबसे बड़ी ग्रेटनेस है। ऐसे लोग बहुत कम है ऐसा, बहुत कम मिलते हैं इस तरह के लोग। और बताएं ताबिश भाई, मतलब अभी रिसेंटली क्या चल रहा है जिंदगी में? अभी एहसान भाई फिलहाल यही इवेंट्स थे, जैसा कि अभी न्यू ईयर पे हर साल मैं एक वीडियो करता हूँ सॉन्ग, अब उसकी तैयारी जारी है इंशाल्लाह,
अपकमिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह सरप्राइज है लोगों के लिए, मगर आपने पूछ लिया तो बता रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह आपके ही साथ है। उम्मीद है मुझे जिस तरह लोगों ने प्यार दिया है हमें, हमें और आपको इस प्रोजेक्ट में भी, मेरे ख्याल से उस टाइम के बाद अभी मेरा आपका ये काम दोबारा आ रहा है इंशाल्लाह काफ़ी सालों बाद, उम्मीद है इंशाल्लाह एक अच्छे रंग में आएगा और पब्लिक लाइक करेगी, मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह को। मैंने जब अपने एक दोस्त को बताया था कि आज मेरे पॉडकास्ट में ताविश आ रहे हैं जी, तो उन्होंने मेरे सामने फरमाइश रखी थी कि ताबिश भाई जब आए तो उनसे हुसैन सफर का कोई एक गाना जरूर गुनगुनाइएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा माहौल बन जाए फिर से बिल्कुल, और कुछ अगर आप लोग मिलके मुझे सुनाएं तो मजा आ जाए। लेजेंड माने जाते हैं हुसैन सफर ओमान में। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहला म्यूजिक की शुरुआत ही उन्होंने किया था हुसैन सफर में। मतलब हमारे बचपन में शादियां होती थी ना, तो उसमें अगर ओमानी गाना चलता था तो बोगो मना को जामी तगे के क्या बात है, क्या बात है। यार सुपर हिट गाने दिए इन्होंने भी। हां बिल्कुल, अपने दिल मरो ए दोस्त बोरो बेवफा बोरो बोरो मतलब ही बहुत बहुत लात आजाद इनके तो बहुत गाने जान। ताविश भाई ये बताएं कि आपका YouTube किस तरह चल रहा है? मेरा YouTube ऐसा भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि चिलिमी के बाद मैंने अपना YouTube बनाया। उस दौरान मुझे इतना ध्यान भी नहीं था इस चीज़ों पे, क्योंकि वो किसी और, मेरा जो चिलिमी सॉन्ग है वो किसी और के चैनल पे रिलीज़ हुआ था। जब उसके चैनल पे रिलीज़ हुआ तब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, जो यूट्यूबर्स थे नए नए उन्होंने भी ओपन किए थे अपने आईडी, मुझे कहा यार तुम अपनी आईडी तुमने क्यों नहीं बनाई है। मैंने, मुझे पता, मैं इतना कोई पागल था ऐसा भाई मेहनत करूं अपने स्टूडियोज़ के सॉन्ग उठा के किसी और को दूं यार, वही यूट्यूब अपलोड बेकाना, और मुझे पता ही नहीं मैं अच्छा जब यूट्यूब पे अपलोड हो अपना पोस्टर देखूं अरे मेरी गाना यूट्यूब का, वो पता नहीं है कि वो सारा क्रेडिट उसके पास है। वो सियाणा बंदा बोलता भी नहीं था मुझे, जब उसने यूट्यूब पे अपलोड किया मेरा चिलिमी सॉन्ग, मैंने एक बार उससे पूछा, हालांकि उससे मैं कभी मिला भी नहीं था उस बंदे से, ऐसे ही सरसरी सोशल मीडिया पे वो मेरे गाने बस अपलोड करता था। उससे मेरी बात हुई एक दफ़ा, मैंने बोला यार तुमने मेरा जो चिलिमी सॉन्ग अपलोड किया, एक साल के बाद मैंने उससे पूछा, बोला यार तुमने तकरीबन एक इनकम उसकी हुई ये वो, तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, लाजम तुम्हारा चैनल पर वो मिलियन उसके व्यूज़ हैं, तुमने कितने कमाए? बोलता है हंस रहा है, मुझे बोलता है यार मैंने इतना कमाया कि बस
आईफोन एक्समैक्स आ गया, उसने जो बोला एक्समैक्स आ गया, मैं 6 यूज कर रहा हूं, ये बोलता है एक्समैक्स आ गया, मेरा तो सन भाई मेरा तो सर के होश उड़ गए। मैं फिर चढ़ गया, बोला यार तुमने मेरा मेहनत था यानी तुमने मुझे बोला भी नहीं कि चलो यार एक्समैक्स मैं ले रहा हूँ, मैगजीन ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला भाई अब बनेगा तो अपने यूट्यूब चैनल बनेगा वरना कुछ नहीं। फिर मुझे भरोसा था खुद पे, मैंने चिलिमी 2 उस टाइम लायरेक्स लिखे हुए थे। फिर अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे दोस्त को वलीद मीर को, उसने मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया बनाया। फिर चैनल खाली था, बोला ताबिश क्या है, मुझे पता है अल्लाह पे भरोसा है हो जाएगा, ये चैनल भी मेरे सब्सक्राइबर्स के हो जाएंगे। तरती उसका एक जो टाइम पीरियड वो देते हैं कि इतने घंटों में आपको वो व्यूज़ आने इतने, तो मैंने 10-15 दिन पहले चैनल बनाया अपना। फिर उसके बाद मैंने चिलिमी 2 रिलीज़ किया। हल्ले बेरी रवि झटपटा जीरे गुड़ा कुआ सरटेट माकनी तर्रीलियारिया हमें चिलिम चिलिमा मन तबा कुता। तो मेरा ये सॉन्ग भी माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुआ। फिर ये सॉन्ग मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, जो मेरा अपना ऑफिशियल पेज था एहसन भाई, उस पर ही अपलोड किया। उसके बाद मेरा ये सॉन्ग चला चला चला, फिर जो फिर उस बंदे ने दोबारा मेरा ये सॉन्ग अपने यूट्यूब पे डाला, उसको मैंने आईडी उसकी कॉपीराइट मार दी मैंने उसकी। मैंने बोला लो अब तुम बहुत आईफोन एक्समैक्स लो, तुम लो एक्समैक्स। बंदे की आईडी पूरी जड़ से ही गई यार, ताबिश भाई ये गलत, मैं ना तुम गलत, हमारे साथ जो इतने साल तुमने अत्याचार किए वो क्या था भाई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मोनिटाइज हुआ मेरा चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 85,000 सब्सक्राइबर माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और स्नैप के स्ट्रीक्स कितने हैं आपके? बहुत हैं हसन भाई, वो तो दिखाऊं अभी आपको, वो तो काफी है हसन भाई, बहुत है अल्लाह का शुक्र है। अभी यानी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ बहुत। और हम आपको मतलब हमेशा देखते हैं कि आप लाइव भी आए हुए होते हैं, कभी इंस्टा पे कभी टिकटॉक पे। जी जी आता हूँ। तो उसमें किस तरह के लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं और उसमें उनके कमेंट्स किस तरह के आते हैं? कमेंट्स ऐसा भाई वो देखो ना, हर चीज़ पे कोई आपको प्यार करने वाला भी है, कोई आपको बुरा भला भी बोलेगा, उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेगा। होंगे वही लोग जो आपके इर्द गिर्द आपके पास ही होते हैं, वो फेक आईडीज बना के कुछ उल्टा सीधा लिख लेते। तो ऐसा भाई मैंने शुरू से मैंने इन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया, इग्नोर किया शुरू से। यकीन वाह खुदा मानो मैं कभी भी कोई बंदे ने बुरा भला बोला सोशल मीडिया के, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सामने तो कभी किसी ने नहीं बोले। अगर सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिख दिए ये वो इनबॉक्स में मैसेज आ गए, मैंने कभी भी आज तक बुरा नहीं माना। आज तक मैंने कभी किसी को, कितने यूट्यूबर्स थे जिन्होंने नया नया यूट्यूब बनाया अपना चैनल चलाने के लिए, मुझे इस्तेमाल किया ताबिश चिलिमी गाने फिलहाल शुमा कुम सिंगराना सपोर्ट करने गए फिलहाल, मैंने उनको तक भी जवाब नहीं दिया। कभी भी मैंने किसी को अपना रिएक्शन मैंने कभी भी नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से अल्लाह पाक का शुक्र है आज तक चल रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं मैं उनको भी दोस्तों को भी बोलता हूँ कि भाई बोलते हैं यार इसने ये बोला, मैं तुम अभी से तुम्हारा अभी स्टार्टिंग है, तुम अभी से ही दिल पे ले लोगे बात को भाई, अभी तो फिर काम नहीं कर पाओगे ना, मंजिल धीरे भाई। मैंने बोला अभी तक ये तो कहने के बातें हैं यार, हमें छोड़ो हम कुछ भी नहीं, हमसे बड़े बड़े आर्टिस्टों को गलत बोला जाता है यार। कितने आर्टिस्टों के साथ लाइव कॉन्सर्ट में कैसे किस किस तरह के सीन हो रहे हैं आप देखो, जब मैं उनको देखता हूँ फिर खुद पे नजर डालता हूँ तो या अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों शुक्र, ये खाली कमेंट्स के हद तक है, बातों के हद तक है बस, ऐसा कभी भी कुछ नहीं। बंदा करे इस फील्ड में हो तो भाई सर पे कफन बांध के आओ, गालियां भी पड़ेगी सही है ना, कॉन्सर्ट में तुम बोतल कोल्ड ड्रिंक के भी खाओगे, टिश्यू भी तुम पे फेंके जाएंगे सही है, तो ये सब चीजें बर्दाश्त करनी है। बड़े बड़े आर्टिस्टों के भी साथ ये चीज़ें हुए और हो रहे हैं, मगर बस बात वही है ना कि हर जुबान के लोगों में कोई ना कोई कम शऊर के ऐसे लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल जान ये चीज़ें, हालांकि वो लोग आपको सुनते भी हैं, आपके गानों पे डांस भी करेंगे, आपके चीज़ों को भी मानते हैं कि हाँ यार एहसान चाहिए ये कर रहा है काम इसका खतरनाक है, साइड में बोलेंगे मेरा बहुत क्लोज दोस्त है मैं इसको जानता हूँ हम साथ उठते बैठते हैं, यही बात होती है ना, असल बात यही है। मुझे अपने लियारी के इवेंट्स की कुछ एक्सपीरियंस बताएं कि लियारी में जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं या लियारी में जब आप किसी इवेंट में गाने के लिए आते हैं
उस वक्त किस तरह का माहौल आपको मिलता है लियारी में गाते? यार एहसान भाई, जब लियारी में मैं आता हूँ बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा अभी यहाँ पे है ही, ये अब बाहर काम कर रहा है, अब यहाँ पे आया। जब यहाँ पे भी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो लोग आते हैं, मिलते हैं, जिनको दावत भी नहीं है वो भी बेचारे आते हैं, प्रोग्राम के बाहर खड़े होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे बच्चे हों, मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं सन भाई, बहुत हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनको और सलामत करे। कुछ लोग होते हैं मगर उनको देखना नहीं चाहिए, मगर जो आपको प्यार ज़्यादा कर रहा है बस उसी प्यार के वजह से चलाओ खुद को, बस उसी प्यार के वजह से आज तक चल रहे हैं सन। जब मैं ओमान में था तो आप भी आए थे ओमान में एक म्यूज़िक वीडियो के अपने सिलसिले में सामी कमाल के साथ, उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं कि वो किस तरह का प्रोजेक्ट था और आप उसमें किस तरह कोलैबोरेट कर रहे थे? एहसान भाई, वो प्रोजेक्ट मैं बोलता हूँ कोई बहुत हाई लेवल का था, यानी बहुत बहुत हाई लेवल का मेरे लाइफ का, चाहे वो वीडियो चाहे उसका ऑडियो। मगर उसमें एक ये गलती कर दी सामी ने, उसने अपने पेज पे अपलोड कर दिया उसे। हाँ, उसके सब्सक्राइबर कम है, 150, 180, 140 थे। मैंने उसको पहले बोला था, जब तुम इतना इस चीज़ पे कर रहे हो तो पहले हमारी कमिटमेंट यही हुई थी कि मेरे पेज पे अपलोड होगा। मैं उसके खातिर कराची से वहाँ गया, ओमान गया, क्यूबी यहाँ से गया, उसने वीडियो पे काम किया, मैं था, अच्छा प्रोजेक्ट था बहुत, वो ऐसे लेवल का था कि उसका मिक्सिंग भी उसने इंडिया से करवाया हुआ था, मिक्सिंग मास्टरिंग उसने स्टूडियो से, क्योंकि आपको पता है जो ओमान के लोग हैं उनके, ओमानी लोग, उनके कनेक्शन बहुत हैं इंडिया में, बहुत वो मुंबई आते जाते हैं। सामी कमाल नो डाउट बहुत खतरनाक आउट क्लास म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी है, बहुत अच्छा है। तो बस उसने कुछ लोगों के बातों में आके उन्होंने कहा कि यार तुम ये सॉन्ग अपने पेज पे अपलोड करो, अब उसके पेज पे इतने वो लोग थे नहीं, तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट बहुत यानी लॉस हो गया उस प्रोजेक्ट में। जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मगर बस कितने दिन लगे थे वीडियो करने में और कहाँ कहाँ गए थे वीडियो करने? सन भाई वो तो आप देखो उसके ग्राफिक वगैरह, नो डाउट बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, बड़ा काम हुआ था। मैं तो 15 दिन गया था वहाँ पे इसी वीडियो के सिलसिले में, और ऐसी गर्मी थी, फिर हम वहाँ पे जबल शम्स पे चढ़े ऊपर, इतना वो काम था बड़ा, बहुत उस पर तो काम था वीडियो पे, तो बहुत काफ़ी शूट्स वगैरह उसके थे, जिस तरह की गाड़ीज वहाँ पे थी, गाड़ी वगैरह थे, बहुत हिसाब किताब बहुत था वहाँ पे। कभी ऐसा चांस हुआ है कि दुबई में मतलब कोई फिल्म मेकर या म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर मिला हो और उसने बोला हो कि यार आप अगर गाना करो तो मेरे साथ उसकी वीडियो करना दुबई में शूट करते, ऐसा कभी कोई ऑफर आया हो? यार ऐसे हमारे वहाँ पे बलोच कम्युनिटी के तो वहाँ पे कोई है नहीं, सही है ना जान, वहाँ पे बलोच कम्युनिटी के नहीं है, बाकी वहाँ पे हैं, वहाँ का आपको पता है ऐसा पे तो वहाँ पे ज़्यादातर फोकस ही टिकटॉक पे किया हुआ है। हाँ, टिकटॉक, स्नैप और इंस्टाग्राम, भाई यहाँ से लोग विजिट वीज़ा ले रहे हैं खाली टिकटॉक की सिम डालने के लिए अपने मोबाइल में, कि मेरे पास लाइव चल सके ना, कि मेरे पास लाइव चले। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी जाके उनको पता चला कि यार चलो कोई कज़न अगर वहाँ पे तो वो अपने नंबर पे डाल रहा है टिकटॉक की सिम तो उनको भेज रहे, तब जाके यहाँ पे ओपन, नहीं तो लोग यहाँ से तो विजिट वीज़ा खरीद के वहाँ पे गए कि खाली टिकटॉक हमारा ओपन है, ऐसा वहाँ पे कोई लत लगा हुआ है टिकटॉक। अब ताबिश भाई, एक सवाल मैंने अपने पिछले भी गेस्ट से किया था, वो आपसे भी पूछूंगा कि अगर कोई शख्स अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए खलीज की तरफ जाना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों को माइंड में रख कर खलीज की तरफ अपना रुख करे? हसन भाई आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। देखें जब आप एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हो ना हसन भाई, बहुत पापड़ बेचने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं लाइफ में, बहुत, आप जिस दिन सिलेंडर कर लोगे फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया जान, तब जाके वहाँ पे एक जगह बना, एक मार्केट बनी, लोगों ने पहचाना। अब मेरे अपने ही काफ़ी, आपने अच्छी बात की, काफ़ी अपने ही म्यूजिशंस लोग हैं यहाँ से पूछते हैं यार हमें वहाँ बुलाओ, हमें वहाँ बुलाओ। यार मैं बोलूँगा क्यों आसरा दूँ, जब मुझे पता है कि आप जिस लेवल के म्यूजिशियन हो आपसे बड़े जिन उधर बैठे हैं, नो डाउट,
और जो काम वहाँ पे चल रहा है वो काम आपको पता ही नहीं है। वहाँ का माहौल, वहाँ का रंग, माहौल अलग है, वहाँ का रंग अलग है। हम यहाँ से जब वहाँ गए थे हम सोच समझ के गए थे, क्योंकि हम शुरू से ही उस तरीके के म्यूजिक को मैं सुनता आ रहा हूँ, तो इतने मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मगर बाद में जब दुबई पहुँचे तो वहाँ पे मुश्किलात हुए, काफ़ी चीज़ें हैंडल करने पड़े, काफ़ी चीज़ काफ़ी माहौलों को समझना पड़ा, क्योंकि माहौल चेंज हो गया था। कहने का मतलब ये है सन भाई, अगर यहाँ से बंदा वहाँ जा रहा है, अगर वहाँ के चीज़ों का पता है तो वहाँ पे आए म्यूजिक के हवाले से, अगर ऐसे आएगा कुछ भी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ घूम फिर के वापस उसको आना पड़ेगा। टफ है मेरी जान, गली गली में आपको म्यूजिशियन मिलेगा, गली गली में आपको सिंगर मिलेगा। और ओमान में तो मतलब हाँ, वहाँ पे आना डिफरेंट काम करके आओ, जो वहाँ के लोगों ने किया है, या उससे हाई लेवल का काम करो, उससे कमतर करोगे तो कोई सुनेगा ही नहीं भाई। और वहाँ पे आए दिनों नए सिंगर्स आ रहे होते हैं, खासतौर पे ओमान में, मतलब मैं देख रहा था कि हर दूसरे साल किसी नए सिंगर का ट्रेंड आया हुआ होता है वहाँ पे। अरे भाई वहाँ का जो बेस बजाता है वो कभी कभी गाता है, वो सिंगर बैंड का परेशान हो जाता है, बोलता है भाई तू गाया नहीं कर, मैं शर्मिंदा हो जाता उनसे भी अच्छा गा रहा है, समझ लो। यानी ऐसे ऐसे समझदार लोग हैं वहाँ पे, म्यूजिक को समझे हुए लोग हैं, उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है। आप थोड़ा कोर्ट से निकल जाओ, वो आपको देखेंगे नहीं इसने ये कोर्ट छोड़ दिया यहाँ पे, यानी उनको देखन देखी में हमारा भी दिमाग अब खुल गया वहाँ पे काम कर करके कर करके। ताबिश भाई, खलीज से बाहर कभी कोई ऑफर हुई है आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साहब, मुझे 8-9 महीने पहले मुझे ऑफर हुआ था स्वीडन का भी, मगर उस दौरान बस जिस डेट पे ऐसे बहुत हुए प्रोग्राम्स, जिस डेट पे मेरा वहाँ पे इवेंट उन्होंने रखा था उस डेट मैंने पहले से ही एडवांस वगैरह लिए हुए थे कतर के प्रोग्राम के, ऐसे बहुत से वाक़ात हुए। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हैं, काफ़ी हिसाब किताब हैं, कुछ ही महीनों में खुशखबरी है इंशाल्लाह यूरोप साइड की, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और हम ताबिश को अब बड़े सेटअप के कॉन्सर्ट्स में कब देखेंगे? जान ये तो बस आपको पता है, कुछ इंसान के अपने मेहनत का कमाल होता है, कुछ दुआओं का कमाल होता है, कुछ बैठे बैठे भी हो जाते हैं चीज़ें। ये है कि बंदा मेहनत नहीं छोड़े, मेहनत कर रहे हैं अभी तक एहसन भाई, अल्लाह का शुक्र है। यानी कभी ये आज तक नहीं सोचा कि यार वाकई प्रोग्राम्स कर रहे हैं हाई लेवल के, अभी तक काम नहीं आए या नहीं मिले, अपने रब पे उम्मीद है इंशाल्लाह, जिस तरह अल्लाह पाक चला रहा है आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा। आप जैसे सिंगर हैं तो आजकल हमारे लियारी के एक और भी दोस्त हैं जो काफ़ी सुने जा रहे हैं, कैफी। कैफी के म्यूज़िक को और कैफी को किस तरह देखते हैं आप? कैफी के म्यूज़िक, कैफी को, कैफी का माशाल्लाह डिफरेंट तरीका है उसका। एक देखो यही चीज़ होती है, इंसान कॉपी नहीं करे, अपना डिफरेंट एक माहौल करे, जिस तरह मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कैफी खलील है उसका भी एक अलग माहौल है, उसने म्यूज़िक अलग दे दिए अपने गानों के, बलोची गानों के रंग उसने एक अलग माहौल में ले गया, इंग्लिश स्टाइल पर ले गया वो अपने चीज़ों को, हम खलील स्टाइल की तरफ लेके आए वो इंग्लिश स्टाइल के साइड ले गया। तो यही चीज़ होती है जो इंसान देखता है यार वाकई चीज़ बलोची मगर उसमें काम हो रहा क्या है, डिफरेंट काम हो रहा है, इस वजह से इंसान आगे पीछे हो जाता है। जैसे माशाल्लाह देखो कैफी है माशाल्लाह, अल्लाह उसको और कामयाब करे, हमारे अच्छा दोस्त है, अच्छा भाई है, बेस्ट विशेज उसके साथ है हमारे। ताबिश भाई, जैसे हमने आपसे अभी 3 गाने बलोची जबान में सुने, मेरी एक पर्सनली फरमाइश है कि अगर आप कुछ हिंदी या उर्दू भी हमें गुनगुना कर सुनाएं तो मज़ा आ जाए, और मैं चाहूँगा कि साथ में हम्माद भी आपको थोड़ा सा साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, फेवरेट भी है। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है
इसमें रहूं बिन तेरे, जिसको जीऊं जिसमें रहूं तुझ बिन दुनिया मेरी, तेरे हर एक पल में सदियां मेरी बिन तेरे, सहरा सा हूं बिन तेरे में कतरा भी नहीं, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खोना, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है हवा, हवा तू जो है तो मैं हूँ, प्यार तो है एक धोखा, इसलिए मैंने दिल को रोका, हम जिस पे मरे वो भी हम पे मरे, सोचते हैं रात भर हम जगे, ओए 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 ओए, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से। हमारे भाई हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, वो बिल्कुल इनका एक बैंड है तर्ज बैंड के नाम से, इनके ज्यादातर लाइव जैमिंग सेशंस होते हैं, मतलब बड़ा जबरदस्त माहौल बनाते हैं, इनके साथ लतीफ होते हैं, इनके बाकी दोस्त होते हैं, तो मुझे पर्सनली बड़ा मजा आता है इनको सुनते हुए। इनके ज्यादातर वीडियो आते हैं मैकडोनल्ड्स के बाहर, ये बैठे हुए होते हैं, एक सर्कल इनका बना हुआ होता है। हम भी पहले ऐसे ही थे, कभी चाय शाय पे बैठे हैं, कभी विलेज होटल था उस दौरान, अभी तो नाम चेंज हुआ, उसके सामने बैठे होते थे। ये चीजें होती हैं, यही तो सारा चार्म जो होता है ना, मजा जो आपको मतलब सीखते वक्त या स्ट्रगल के दौर में, ये मेमोरीज होती है जो आप बैठ के दोस्तों के साथ चाय के ढाबों में कर होते थे। वहाँ जनीफ भी साथ होता था मेरे, मैं वहाँ जनीफ चाय शाय पे हम नीचे बैठे होते थे, अभी टाइम नहीं मिलता है, अभी सब बिजी है, वरना तो हम लगे रहते थे। चाय के होटलों से मुझे याद आया कि कुछ वक्त पहले मैं अली मार्केट के होटल में बैठा था, तो एक गाड़ी गुजर रही थी, उसमें मैंने देखा कि आबिद ब्रोही बैठे हुए, आबिद ब्रोही के साथ ताबिश बैठा हुआ है,
और आसिम अजहर मास्क लगा के गुजर रहा है। जी जी जी, ये क्या सीन था कि मतलब आप लोग इसको लिहारी किस तरह लेकर आए थे? ये किस टाइम आपने देखे थे? मुझे यार सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि शाम का रात का वक्त था, आप लोगों की गाड़ी गुजर रही थी। भाई सीन ये था, हम मिले दो दरिया पे, मैं था, आबिद था, आसिम ने बुलाया हुआ था आबिद को, तो मैं साथ था, हम साथ गए वहाँ पे, बैठे हुए थे वहाँ पे, डिनर वगैरह हमने किया। आसिम बैठ बोलता है यार मुझे लियारी बड़ा जाने का शौक है। उस टाइम आबिद शाका के वो वीडियोज देखता था ना, यार मुझे इससे मिलाओ यार आबिद, यार आबिद से मिलो। लहर अब जाएँ तो कैसे जाएँ? आसिम भाई आप माशाल्लाह सब जानते हैं, उस टाइम आसिम का कॉक पे नया नया गाना आया हुआ था। तो फिर भाई करते कराते हमने प्लान किया, मतलब यार ऐसे ऐसे चलेंगे, मगर आपने कैसे देख लिया? तो वो यानी उस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। हम छुपके से हम निकले वहाँ से, मैं था, आबिद था, आसिम था, उसके दो तीन दिनों बाद फिर हम निकले वहाँ से, हम आए लियारी में, लियारी में घूमे, उसको माहौल दिखाया बड़ा आसिम को, तब जाके आसिम को ये रियलाइज़ हुआ, बोलता है यार जिस तरह सुनते थे, जिस तरह हमें सुनाया जाता था कि लियारी ऐसा है ऐसा है, यहाँ पे तो रौनक लगी पड़ी है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा लोग जैसा कहते थे उस दौरान। तो वहाँ पे यानी चक्कर दिलाया पूरा गुलमान जी लैन कला को, फिर घूमते फिरते, मगर आबिद शाका हमें नहीं मिला। वो पता नहीं किस दुनिया में था, चांद पे गया होगा उस दौरान, वो नहीं मिला। फिर बहरहाल हम वहाँ से राउंड लगा के फिर हम निकल आए थे। लेकिन इसका देखें असर क्या पड़ा है कि अभी पिछले साल या उससे एक साल पहले आसिम अजहर ने अपनी एक पूरी म्यूजिक वीडियो लियारी में शूट की है, आपको पता है? हाँ, बिल्कुल। कभी मैं कभी तुम के नाम से एक म्यूजिक वीडियो है जिसमें फहद मुस्तफा है, सबा कमर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 90% वो म्यूजिक वीडियो लियारी में, ये यहाँ पे किया था ना, स्लॉटर हाउस से है, स्लॉटर हाउस के अंदर शूट किया था जी, स्लॉटर हाउस में शूट किया था। और उसके बाद कालादर का सराफा बाजार है, बिल्कुल, तो उसकी गलियों के कुछ शॉट्स लिए थे, बिल्कुल। तो ये मतलब पॉजिटिव असर हुआ था उनके लियारी का। जी, 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 और हमने ये देखा था कि वो मतलब पसंद भी करते हैं लियारी के लोगों को, आर्टिस्टों को, बस मगर जो वो सुनते सुनाते हैं कुछ ज्यादा ही हो जाता है आपको पता है मीडिया पे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है नहीं लियारी में। हम लियारी से बल्ले मूव करके गए, मगर अभी तक जब तक लियारी नहीं आए, वहाँ पे नहीं बैठे उठे दोस्तों के साथ, हमें मजा ही नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते हैं, घर वगैरह सब हमारे वहीं पे अभी तक, शुक्र है अल्लाह पाक का। और जी, मैं ये मानता हूँ कि जो लड़के बच्चे या बूढ़े जिनका वक्त लियारी में गुजरा है ना सबसे ज्यादा जिंदगी का, उनको लियारी जैसी वाइब फिर दुनिया में कहीं नहीं आती, नहीं आती है। वो कहीं भी जाएं घूमें फिरें, उनको दोबारा जब लियारी आएंगे ना तो सुकून मिलेगा। सन भाई आप देखो ना, हमारे सारे आर्टिस्ट ही यहीं से निकले हैं। चाहे आप माशाल्लाह खुद को ले लो, फिल्म मेकर ले लो, माशाल्लाह भाई को देख लो, कैफी को देख लो, हमें देख लो, हम सब यहीं पे, यहीं की पैदाइश है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमसे पहले भी कितने अच्छे अच्छे फनकार अभी तक हैं, माशाल्लाह म्यूजिशियन है, सब लियारी से बिलोंग करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे कितने रैपर्स हैं अभी जिन्होंने मतलब इंटरनेशनली, वही कह रहा हूँ ना, म्यूजिशियन हो गए माशाल्लाह, डायरेक्टर हो गए, फिल्म मेकर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी हस्तियां हैं यहाँ पे सर। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को हम वाइंड अप की तरफ लेते जाएं, आपसे कुछ सवाल और मेरे रहते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ताबिश खुद को आने वाले 3-4 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, और उसके अलावा जो लड़के अभी मतलब पिछले 1-2 सालों में म्यूजिक की तरफ आए हैं, तो उनको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि उनकी एक अच्छी ग्रोथ, उनकी एक अच्छी रीच बन सके और वो अच्छा गा सकें? बिल्कुल, न्यू जनरेशन को तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तुम्हारी नशिस्त कहाँ पर है, किन के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। ज़्यादातर फोकस अगर तुम इस चीज़ में हो तो अपने म्यूज़िक पे दो भाई, और पढ़ाई लाजिम है, पढ़ाई के बगैर फ़ायदा नहीं है कुछ। इतना अगर तुम इतना तक करो कि खुद की चीज़ें खुद लिख सको, समझ सको, सामने वाले से बात करने की तमीज़ हो, उठने बैठने का पता हो, पहली बात ये। दूसरी बात, अपने अपना जो टारगेट है उस टारगेट पे फोकस करो, तुम्हें ये करना है, वो करना है, डिफरेंट चीज़, कॉपी नहीं करें अपनी, डिफरेंट चीज़।
हाँ सॉन्ग ले लिया मसला नहीं, मगर उस पर जो काम आप कर रहे हो इसको कॉपी नहीं कहा जाता। किसी का सॉन्ग आपने ले लिया, अगर एज इट इज गा लिया उसी के, फिर फायदा ही क्या रहा? अपना रंग देखा है उसमें। हाँ, आप अपने उसमें डिफरेंट चीज करो, म्यूजिक डिफरेंट कर दो, इसको कॉपी नहीं कहा जाता है जान, मेरे नजर एहसान भाई आप क्या बोलते हो? बिल्कुल, आप उसे इंस्पिरेशन लेके उसको अपना रंग दे सकते हैं, आप अपना रंग दो, क्या पता आप उससे और अच्छा उसको कर सको। ये चीज है, डिफरेंट काम करो, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। और एहसान भाई हर आर्टिस्ट की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसको एक मरतबे पे ले जाए, हमारी यही ख्वाहिश है इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक और अपने लोगों पे, अपने चाहने वालों पे उम्मीद है कि जिस तरह वो प्यार दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे, और अल्लाह पे भरोसा है, उम्मीद है, खुद पे कारवां जा रही है, इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पब्लिक के लिए लाते जाएं जी। और हमद, आप अर्ज बैंड को आने वाले 2-3 सालों में कहाँ देख रहे हैं? और पता है मैं क्या चाहता हूँ कि हमद आपके पूरे बैंड के साथ एक मेरा पॉडकास्ट अलग से होना चाहिए, जिसमें जो आप लोगों का अपना जो स्टाइल है मैं वो सुनना चाहूंगा, और ऑडियंस को मतलब सुनाना चाहूंगा कि इनके पास किस तरह का टैलेंटेड है। इनका इनके दो सिंगर हैं लतीफ और अदील। जी जी सर, मैं कहता हूं कि आप इनको कभी बिठा कर अपने सामने लाइव जरूर सुनना, इन दोनों की जब जोड़ी जमती है माशाल्लाह मजा आ जाता है। मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये अपनी अच्छी जगह बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इनकी उम्रें हैं सर, यही तो उम्रें हैं भाई, अब ये कर रहे हैं माशाल्लाह मेहनत, अल्लाह पाक कामयाब करने वाला है इंशाल्लाह। जज्बा जुनून ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। ताबिश भाई बड़ा मजा आया, मैं तो चाहता हूँ कि प्रोग्राम को और लंबा करें, लेकिन ये कि वक्त की बड़ी पाबंदी रहती है हमारे पास, तो उसको लेते हुए हम चाहेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि नए साल में नए गानों के साथ, नई कहानियों के साथ हम दोबारा एक नशिस्त रखें, और उसमें और जरा मजेदार माहौल हम बना सकें तो और मजा आ जाएगा। मैं आज के एपिसोड के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। ताविश भाई, मैं ये चाहूंगा कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप आप लोगों के गाने के साथ करें, तो अगर कुछ जाते जाते भी हमें सुनाइएगा तो मजा आ जाए। ये अभी गाना ये रिलीज किया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी काफी वायरल हुआ टिकटॉक पे। सारंग वाले मनी दिल पर कने तो इशारा, मना चारे जने बार बारा, मनी दिल पर कने तो इशारा, मना चारे जने पर बारा, दी चम्मा कुमारी तिरंगी अनार मबिता दीवाना, दी चम्मा कुमारी तिरंगी अनार मबिता दीवाना, मनी दिल पर कने तो इशारा, मना चारे जने पर बारा, मनी दिल पर कने तो इशारा, मना चारे जने बार बारा, दी चम्मा कुमारी तिरंगी अनारे मबिता दीवाना, दी चम्मा कुमारी तिरंगी अनारे मबिता दीवाना। रूसाने ती मन भी तो करा, रूसाने ती मन भी तो करा, हाला विचार मनी हाला विचार, हाला विचार मनी हाला विचार, रूसाने ती मन भी तो करा, रूसाने ती मन भी तो करा, हाला विचार मनी हाला विचार, हाला विचार मनी हाला विचार, एक इश्को रहानी मुश्किल हजारा, दूरे सफर चू भी बदुआ हवा पोषता, मैं द्रुग बसता, ऐसा न दिसता तो चुन साल गुआसता, वातर काव्या बस नू इंतजार, वातर काव्या बस नू इंतजार, हाला विचार मनी हाला विचार, हाला विचार मनी हाला विचार,
हाला विचार मनी हाला विचार हाला विचार मनी हाला विचार थैंक यू।